हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है हम लोग जेई मेन 2023 का जो है पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 25 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं पेपर, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक से आए हुए हैं और कितने परसेंटेज क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ईजी हैं, कितने परसेंटेज से जो कि डिफिकल्ट या मॉडरेट है, या कितने ऐसे हैं जो 11 से या 12 से पूछे, यानी एक तरह से आप एनालिसिस कर लें पेपर का, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एलजेब्रा से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, कैलकुलस से 9 क्वेश्चन हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन आया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन हैं, वेक्टर थ्योरी के 5 हैं, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और एक स्टैट्स का क्वेश्चन है। तो ये आपके पास जो है अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जो है स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कोई नहीं है, ऊपर के सेट्स रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कॉनिक सेक्शन से जो है आपके 2 क्वेश्चन है, सर्किल का 1 क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक का है, सीक्वेंस सीरीज का 1 है, पीएनसी के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और कॉम्प्लेक्स का 1 है, रीजनिंग स्टेट्स के 1-1 हैं, रिटर्न मैट्रिसेस के 2 हैं, फंक्शन का 1 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन आया हुआ है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के 2 हैं और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का 1 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के 2 हैं, इनडेफिनिट का 1 है, डेफिनिट का नहीं आया जबकि जबकि डेफिनिट से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एरिया का 1 आया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा के 2 और 3D के 3, यानी वेक्टर और 3D काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन के हो गए और 1 प्रोबेबिलिटी का। और अगर हम एनालिसिस करें कि कितने क्वेश्चन इजी थे या कितने डिफिकल्ट थे, तो इजी क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान से अब मतलब वो छूटने नहीं चाहिए जैसे कि, ठीक ना। तो वैसे 13 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मतलब तुरंत आपको सॉल्व कर लेना है उस क्वेश्चन को। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट टाइप के हैं, मीडियम टाइप के हैं, वो 14 क्वेश्चन हो गए, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए 4 भी हो सकते हैं, बट 3 हमारे हिसाब से क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो कि सबसे लास्ट में करने चाहिए थे, ठीक है। या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आखिरी में रैंक डिसाइड करते हैं कि आपके अगर रैंक जो है, अगर आप अंडर 1000 रैंक देखना चाहते हो तो इन 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन में जितना आप कर पाओगे उतनी रैंक आपकी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो 13 क्वेश्चन है ये जो आपके ऊपर वाले हैं, अगर उनमें से कुछ दिक्कत आती है, वो नहीं हो रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं पेपर को, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि जो है S1 और S2 जो है 2 अलग अलग सेट्स हैं और A जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक ना। तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है जो कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो सेट S1 क्या होगा, और अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सेट S2 क्या होगा, और फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है सबसे पहले तो डेल्टा निकाला, क्योंकि सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नो आएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, हमें डेल्टा से निकालना पड़ेगा। तो हमने जो डेल्टा की वैल्यू निकाली, ए 2a+1, 3a+5, 2a+3, a+5, माइनस का 3a, a+1, a+2। तो पहली रो से अगर हम a कॉमन ले लें और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूज करें, तो डेल्टा आप यहाँ पे जब निकाल लेते हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है a(15a²) प्लस का 31a प्लस का 37। तो अंदर जो ये जो क्वार्टिक बन रही है, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ से आपको कोई भी a रियल नंबर नहीं मिलने वाला है, तो यानी आपका जो डेल्टा आ रहा है, और a हमारा वैसे भी नॉन जीरो है, ठीक ना, और ये क्वार्टिक भी नॉन जीरो है, तो यानी डेल्टा आपका हमेशा नॉन जीरो आ रहा है। जो गिवन a हमको दे रखे जो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, उन सभी पर डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, यानी आपके पास जो है इस सिस्टम का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक ना। तो हमारे पास जो S1 हो जाएगा वो जाएगा ऑल रियल a विच इज एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक ना। और आपके पास जो S2 होगा वो 5 सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है कोई भी ऐसा a नहीं मिल रहा है जिसमें आपका डेल्टा जीरो आ रहा हो, क्योंकि अगर डेल्टा जीरो आता तो हम इनफाइनाइट की पॉसिबिलिटी चेक करते, फिलहाल तो नॉन जीरो आ गया डेल्टा, ठीक ना। तो आंसर जो जाएगा हमारे पास वो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो एक आसान क्वेश्चन था, बस आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना था यहाँ पर, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी पार्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है लिमिट्स का है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 3n नंबर्स ऊपर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट वाली 4 डिग्री क्वेश्चन दे रखे हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये लिमिट निकालना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि ऊपर की जो सीरीज दे रखी है उसमें 2 नंबर पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, ठीक ना,
और नंबर जो है 3n नंबर्स दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे अगर 1 को 4 को अलग करें, ठीक है, यानी 1 4, फिर 3 जोड़ दो 7 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 3n-2 टाइप के, ठीक है, यानी 3k+1 टाइप के नंबर आपने अलग कर दिया, और 3k+2 टाइप के नंबर अलग कर दिया, क्योंकि 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, 3n-1, और 3 के मल्टीपल वाले नंबर है 3, 6, 9, इनको अलग किया ताकि इनकी सीरीज को हम आपस में ऐड कर सकें, ठीक है। तो एक तरह से 3 अलग अलग ग्रुप हो गए, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2n^4 4n+3 - √(n^4+5n+4). तो इसका जो जनरल टर्म आ जाएगा वो जाएगा 3r-2, इसका जाएगा 3r-1, और इसका जाएगा 3r, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, क्योंकि 3n नंबर्स है, सब में n n n टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है आपका ये अंडर रूट वाली क्वांटिटीज रहेंगी। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 3r से एक 3r कट जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा आपके पास एक तरीके से 3r-3, यानी 3 times r-1, r is going from 1 to n, ठीक है, 1 to n, जैसे 3 × n × n-1/2 पर किस चीज का सम हो गया, समीशन n का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन r की वैल्यू 0 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो आखिरी में n जब आएगा तो आखिरी में आएगा n-1, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम 0 से लेके n-1 तक का निकाल लें वही हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे r मान लेते तो r की वैल्यू एक तरह से 0 से n-1 तक हो जाती, या अलग अलग ब्रेक कर लो r को अलग से r-1 को अलग से, ठीक है, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे अंडर रूट वाली चीज का हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 3 × n × n-1/2, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इनटू रूट ऑफ 2n^4 + 4n+3 प्लस अंडर रूट ऑफ n^4 + 5n+4, यानी नीचे वाले टर्म को हमने रैशनलाइज कर दिया, तो नीचे a²-b² के सबसे जो फॉर्मूला बनेगा 2n^4 + 4n+3 - n^4 + 5n+4, तो ऊपर इस चीज को सम निकाल लिया, ठीक है, और नीचे वाली चीज को हमने रैशनलाइज कर दिया, तो 1n^4 से 1n^4 कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जो आपका बन रहा है n^4 - n-1, और ऊपर जो बन रहा है 3 × n × n-1/2, एंड अंडर रूट में वही क्वांटिटी जो थी हमारे पास, ठीक है, तो 2n^4 + 4n+3 यहाँ पे देखे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के हिसाब से, तो ये जो फॉर्म है आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो नीचे तो n^4 है और ऊपर भी एक तरह से देखा है तो n^4 का ही फॉर्म बन रहा है, क्योंकि जब हम n^4 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो n² बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ n^4 जो है वो n² हो जाएगा, तो अब हम n^4 से ऊपर नीचे जब डिवाइड करेंगे तो केवल यहाँ पे 3/2 बचेगा, 1 - 1/n बचेगा, और यहाँ पे नीचेगा 1 - 1/(n³ - 1)(n⁴). तो हमने क्या किया कि n^4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो एक n² तो यहाँ पे कंज्यूम हो गया इतने टर्म में, और एक n² जब इसके अंदर जाएगा तो अंदर जाके वो n^4 बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाके, तो अंडर रूट के अंदर जाएगा 2 + 4/(n³ + 3)/(n⁴) + √(1 + 5)/(n³ + 4)/(n⁴). जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/(n) वाला फॉर्म जो होगा वो 0 बन जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा √2 + 1, और ये 0 ये 0, तो आंसर जो हो जाएगा जब n को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो 3/2 और अंडर √2 + 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/2 √2 + 1, तो आंसर जो होगा सी पार्ट जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो
ये भी आसान क्वेश्चन था, तमाम क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने किए हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के, ठीक है, बस एक सीरीज का एक थोड़ा सा हम देखना था ध्यान से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन स्टेट्स का ही आया हुआ है, तो ये बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन को, जैसे हम लोगों ने बोला कि 13 क्वेश्चन जो इजी थे तो इजी है, मीडियम है वो आपको बगल में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे जो अगले पेपर आपका होगा तो उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन इजी लेवल वाले वो आपके नुकसान, मतलब वो आपके गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको सीधा फॉर्मुला लगाना है या बेसिक थ्योरी जो पहले आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा वैसे ही क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पर एक करे हुए क्वेश्चन उन्हीं को आप इजी कर सकते हो ज्यादातर, ठीक है। बने का कि यहाँ पे आपके पास जो है एक डाटा है उसमें मीन और वेरियंस हमको दे रखा है कि 10 और 4 है, फिर हमारे पास जो एक बच्चे के जो मार्क्स है उनको 8 के 12 कर दिया जाए, ठीक ना, पहले 8 थे उसको इंक्रीज करके 12 कर दिया जाए, तो नया मीन जो होगा वो 10.2 हो गया, पहले 10 था, और नया वेरियंस सबसे पूछा गया कि कितना आएगा, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि लेट द टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो एन है, ठीक ना, क्योंकि दिए नहीं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हिडन है चीजें, सॉरी एन है, ठीक है, जिनका मीन जो है वो एन इंटू 10, तो ये इनके टोटल मार्क्स हो गए 10 इंटू एन, ठीक ना। तो जो टोटल स्टूडेंट्स है वो एन थे और टोटल मार्क्स जो हो गए उन्हें स्टूडेंट के हो गए एन इंटू 10, क्योंकि मीन हमें 10 दे रखा है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो 12 कर दिए गए, पहले 8 थे, तो जो आपका ये 4 का इंक्रीमेंट हो गया एक तरीके से, तो इसका जो नया सम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा n इंटू 10.2 के बराबर, क्योंकि नया मीन जो है 10.2 दे रखा है, तो इससे हमारे पास जो है n की वैल्यू निकाल आएगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली तो n की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 आ जाएगी, तो एक चीज तो आपको निकल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 20 है। अब नए मीन के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यार एक्स बार जो होता है वो मीन होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले मीन को सॉरी वेरियंस को देखें तो 4 दे रखा था, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 माइनस 10 का स्क्वायर, क्योंकि पहले मीन जो था वो 10 था, तो इसमें जो क्वान्टिटी आ रही है समेशन ऑफ एक्स आई का जो स्क्वायर आएगा तो 104 इंटू 20 आ जाएगा। तो ये आपका जो है पुरानी जो एक्स आई का जो जो डाटा थे उन सभी जो मार्क्स के जो स्क्वायर्स का जो सम था 20 स्टूडेंट्स का वो आपको मिल गया 104 इंटू 20, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2080 आ जाता है ये, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारा नया वेरियंस आएगा जिसको हमें निकालना था वो क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो 2080 जो समीशन एक्स आई का स्क्वायर आया था उसमें आपने एक 12 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 8 का स्क्वायर माइनस कर दिया, क्योंकि एक स्टूडेंट के मार्क्स 8 की जगह 12 कर दिए गए ताकि वेरियंस की जो नई वैल्यू आ जाए। तो ये आपका नया एक्स आई का स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई 20 और इसमें आपने नए वाला जो मीन आया था 10.2 वाला उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इस टाइप के, तमाम क्वेश्चन अगर आप आर्काइव वगैरह देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो इजी फॉर्म में रखा गया है, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट जरूर आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। तो ये 3.96 आ जाएगा, तो इसमें आपका जो आंसर है वो सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और एक सेट S है जो जेड का लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व C, ठीक है। तो उसमें चार ऑप्शन दे रखेंगे कर्व C क्या हो सकता है, ठीक है। अब उस बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से डरते हैं कि जब यार कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ देते हैं चैप्टर छोड़ देंगे आप, जैसे ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चनों में माना जाएगा, सीधा जेड को एक्सप्रेस आई वाई डालो आंसर आ गया, ठीक है। तो वही है कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होती है, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, बस वही फॉर्म यूज करना था, ठीक है। पुट Z इज इक्वल टू X प्लस IY, तो जाएगा X माइनस 2 का स्क्वायर Y माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि Z1 क्या है 2 प्लस 3 आई, अब इसमें माइनस कर रहे हो आप X माइनस 3 का स्क्वायर और Y माइनस 4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 यानी मॉड ऑफ माइनस का 1 माइनस का आई का स्क्वायर, तो ये रूट 2 का स्क्वायर, तो ये तो 2 ही हो गया, तो इसको स्क्वायर कर खोल के सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है आपके पास, ठीक है, ये बन जाता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो यानी x अपॉन 7
प्लस वाई अपॉन सेवन इज इक्वल टू वन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है उनका जो सम आएगा वो सेवन प्लस सेवन यानी फोर्टीन आएगा। तो ये आपका जो है फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक ना, हाइपरबोला तो हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक ना, और सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो 14 आ गया आपका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जैसे हमने इसको डिफिकल्ट में रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वाई गोल वाई एक्स जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो पहले तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, जिसके वैल्यू एक्स की वन डालने पे वैल्यू वाई के वैल्यू थ्री आ रही है, ये कर्व जो है वो 1.3 से पास भी करना चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी जो आपका निकल आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आना ही था, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई क्यूब इंटू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब एक तरह से वाई अपॉन एक्स हमने वहां पर मल्टीप्लाई ले लिया, ठीक है। तो y में क्यूब भी है यहाँ पर, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस्ड हो सकती है, पर अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 3 एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमने y क्यूब से दोनों तक डिवाइड करा दिया, तो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन y स्क्वायर को एक नया वेरिएबल t मान लें, तो माइनस का 2 अपॉन y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगी, ठीक ना। तो यानी कहीं ना कहीं माइनस का 1 बाई टू डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1 अपॉन x इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x बन गया, यानी आपने 1 अपॉन y स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको t ले लिया, तो डी वाई डी एक्स को हमने डी टी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमारा जो नया वेरिएबल डिपेंडेंट वाला हो गया वो t का हो गया, इंडिपेंडेंट तो पहले भी एक्स था अभी भी एक्स है, ठीक है। तो एक माइनस के टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस का टू अपॉन एक्स इंटू टी इज इक्वल टू माइनस का टू इंटू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो e की पावर टू अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो e की पावर 2 log of x यानी e की पावर 2 log of x, यानी इधर से ये e की पावर log x square यानी x square जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस x square से पूरी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका x square आ गया, ठीक है। तो x square dt by dx plus का 2x into t is equal to माइनस का 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली चीज है वो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वही तो फायदा है कि हम इसको पूरा को एक तरह से इंस्पेक्शन कर सकते हैं इस चीज का, ठीक है। तो अब दोनों तरह से जब चीजों को इंटीग्रेट करेंगे तो t इंटू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी माइनस का 2x स्क्वायर 1 प्लस लॉग ऑफ x dx। तो इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ले लें, इस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन ले लें और इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और सी जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है। तो टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 बार ले लें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एस क्यूब अपॉन 3 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसको इंटीग्रेट किया एस स्क्वायर को तो एस क्यूब अपॉन 3। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी, ठीक है। तो ये जो टर्म आएगा इंटीग्रेट करने वाला, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और एक्स स्क्वायर को फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 9 बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि एक 3 और पड़ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। हमने इसको जो है पुट किया, यानी इस कर्व को हमने पास कराया 1.3 से, यानी अपने जो है x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 दे रखी थी, ठीक ना, कि x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक ना। उसका फायदा उठाते हैं,
ताकि वो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट जो है वो सी निकल के आ जाए, ठीक है। तो 1/9 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1/3 लॉग ऑफ 1 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और एस क्यूब की वैल्यू 1 पे 1 हो जाएगी, तो माइनस का 1/9 प्लस सी, तो यहाँ से थोड़ा सा सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5/9 आती है। फाइनली आपको सी निकल के आ गया, आपको जो है वाई स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू एस के टर्म में निकालनी थी, और वाई स्क्वायर में हम लोग की क्वेश्चन बन भी रही है, ठीक है, तो सी की वैल्यू 5/9 हम लोग अगर रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू जाएगी, सी की वैल्यू 5/9 रख दी, माइनस का 2/3 एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और ये जाएगा माइनस का माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का 2 बाहर है और ये माइनस में भी है तो प्लस हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, तो प्लस का 2 एक्स क्यूब अपॉन 9, तो यहां से आपके पास जो है वाई स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू निकल आएगी, एक 9 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 एक्स क्यूब 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स, 3 लॉग एक्स बनेगा, वो 3 लॉग एक्स की जो वैल्यू होगी वो लॉग एस क्यूब हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो है कम 3 लॉग एस भी सही था लेकिन हमको ऑप्शन में लॉग एस क्यूब दे रखा है तो उसको लॉग एस क्यूब भी लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर जो हमारा आता है इसमें ए पार्ट से मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट निकाल लिया, फिर आप वाई स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू एक तरह से निकालनी थी आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, तो हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंशिएशन का है कि एक फंक्शन में दे रखा है और उसका डेरिवेटिव माइनस डबल डेरिवेटिव निकालना है माइनस 1 पे, उसका डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, तो अब सीधे तरह से देखें तो ये काफी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिक होना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं, या 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो तरफ, ठीक है, तो हमने एक 1 माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मुले जो है लगातार चलते चले जाएंगे, जैसे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे पावरें लगातार जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे बढ़ती चली जाएंगी, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिक आपको स्ट्राइक करनी चाहिए थी, ठीक है, 1 प्लस एस की पावर 8, 1 प्लस एस की पावर 16, तो वाई इंटू 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू हो गई आखिरी में 1 माइनस एस की पावर 32 बन जाएगा, ये क्योंकि ये टर्म मर्ज करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस एस की पावर 4 हो जाएगा, सिमिलरली फिर 1 माइनस एस की पावर 8 आएगा, फिर 1 माइनस एस की पावर 16 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एस की पावर 32। अब हमें डिफरेंशिएशन करना ऐसे आसान हो जाएगा, ठीक है, कि पूरा प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा सारे ब्रैकेट्स का, ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे रहे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 32 एस की पावर 31, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वाई डैश की वैल्यू जो है एस के वैल्यू माइनस 1 डाल के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वाई डैश की वैल्यू माइनस 1 पे निकालनी थी, ठीक है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा एक और चीज़ है कि हमें वाई की जो वैल्यू है माइनस 1 पे मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जब हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वाई की वैल्यू भी निकलेगी माइनस 1 पे, ठीक है, क्योंकि वाई में जो वाई जो है इतना बड़ा जो फंक्शन है उसमें माइनस 1 पे वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तो वाई की वैल्यू माइनस 1 पे भी मालूम हो जाएगी, ठीक है, तो वो तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि माइनस 1 डालने पे तो पहला ब्रैकेट ही 0 ही हो जा रहा है, ठीक है, तो वाई के लिए माइनस 1 पे 0 है और वाई की वैल्यू जो है वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो वाई डैश की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 पे, तो जब माइनस 1 डालेंगे तो ये टर्म तो 0 ही हो गया, माइनस 1 डालने पर ये निगेटिव आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर ऑड है, ठीक है, तो ये प्लस का 32 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी वैल्यू जाएगी 16, तो ये आंसर जाएगा वाई डैश माइनस 1 की वैल्यू 16। अब जो आपने इक्वेशन बना ली है, ठीक है,
एक तरह से y डैश इंटू वन माइनस एक्स प्लस या माइनस वाई माइनस का 32 इंटू एस की पावर 31। इसको डिफरेंशिएट कर दें एक बार फिर से, क्योंकि हमें डबल डैश भी निकालना है, वाई डबल डैश माइनस वन पे निकालना है। तो यहाँ पे x की पावर 32 माइनस वन होगा, ठीक है, वन माइनस एक्स, ठीक है, वन माइनस एस की पावर 32 का सही है। तो अब इसको हम जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश आएगा और वन माइनस एस को हमने छोड़ दिया, फिर y डैश आएगा और वन का हो जाएगा जीरो और इसका हो जाएगा वन माइनस वन और यहाँ पे माइनस का y डैश आ जाएगा। तो एक तरह से मल्टीपैरेलल लगा दिया, एक बार इसको किया तो इसको छोड़ दिया वन माइनस एस को, अगली बार y डैश को छोड़ दिया तो वन माइनस एस का माइनस वन आ गया और यहाँ पे जब हो जाएगा माइनस का 32 इंटू 31 इंटू एस की पावर 30। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बोथ साइड, क्योंकि वाई डैश की वैल्यू माइनस वन पे ऑलरेडी मालूम है और वाई की वैल्यू माइनस वन पे तो जीरो है ही है, तो वाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ से माइनस वन पे निकल के आ जाएगी। तो ये टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसकी वैल्यू में यहाँ पे 16 रखेंगे, ये भी 16 हो जाएगा। तो वाई डबल डैश की जो वैल्यू होगी माइनस वन पे जो है निकल के आएगी माइनस का 480, ठीक है। तो उसको आसानी से निकाल सकते हो कि आपको वाई डैश की वैल्यू मालूम है, वाई की वैल्यू मालूम है माइनस वन पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमको निकालना क्या था, वाई डैश में से वाई डबल डैश माइनस करना था, तो वाई डैश माइनस वाई डबल डैश की जो वैल्यू जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का माइनस 480, 496 इसका आंसर। तो यहाँ पे वही ट्रिक थी कि अगर आपको वन माइनस एक्स या एक्स माइनस वन दोनों में से कोई भी एक मल्टीप्लाई करा लेते दो साइड, हमने वन माइनस एक्स से कराया, एक्स माइनस वन से भी करा सकते थे, तो उससे आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता, ठीक है, अदरवाइज सीधा तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता, ठीक है। जो लॉग लगी करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आएगी, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था हालांकि, ठीक है, तो इसको मीडियम में से रखा कि ट्रिक इन्वॉल्व हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एकदम से, ठीक है। अगर अपने वन माइनस एक्स वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करने वाली चीज आ गई तो आसान है, नहीं तो फिर लेंथी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक वेक्टर है जो कि रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री से, और जो 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में करना है कि वाई एक्सिस भी हमारे पास में आ जाए, ठीक है। और रोटेट करने के बाद वो नई पोजीशन में जाके बी वेक्टर बन जाता है और लेंथ सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला नहीं किया कि आपको बी की लेंथ के बारे में कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने केवल रोटेट किया है, ठीक है। तो बी और ए का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, और वाई एक्सिस और बी और ए जो होंगे कोप्लेनर वेक्टर्स भी होंगे, क्योंकि आप एक ही प्लेन में हो, रोटेट कर दिया है, ठीक है, और एंगल ऑफ ए एंड बी जो आएगा उनके बीच में वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब उसके बाद आपने जो है 3a वेक्टर प्लस b रूट 2 वेक्टर जो है उसको c पे प्रोजेक्शन देखना है। तो ये तो तभी निकाल सकते हैं, c मालूम है, a मालूम है, b अगर मालूम होगा तो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे में निकालना तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक ना, बट हमें सबसे पहले b वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यार अभी ये जो b वेक्टर है वो कोप्लेनर होएगा a से और j कैप से, ठीक ना, तो म्यू टाइम्स जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो जे कैप हमने ले लिया यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन लेंथ उसकी क्या होगी, वो म्यू से कवर हो जाएगी, बट हमें डायरेक्शन तो मिली गई वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब हमने कहा क्योंकि बी और ए आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो ए डॉट ए भी आप निकाल ही सकते हैं, तो उससे ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए डॉट ए प्लस म्यू टाइम्स ए डॉट जे। तो a डॉट a की वैल्यू जो होगी तो वो आपके पास आ जाएगी 1, 2, 4 और 1, तो ये 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 लैम्डा और ये 2 म्यू, इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो गई, तो कहीं ना कहीं म्यू की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 लैम्डा आ गई, तो कम से कम एक वेरिएबल तो हट ही गया लैम्डा सॉरी म्यू, ठीक है। तो b वेक्टर की जो वैल्यू हो गई लैम्डा टाइम्स a माइनस का 3 लैम्डा टाइम्स j कैप हो गई, तो लैम्डा अगर हम कॉमन लें
तो माइनस का आई, माइनस का जे, प्लस का के, तो वेक्टर बी के बारे में ये बात मालूम हो गई, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अगर हम बी निकालें तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, इसके अंदर जो है आपके पास अंडर रूट थ्री मॉड लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिक्स हो गया, तो जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस रूट टू आ गए, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड तो रूट सिक्स है और बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ लैम्डा, पता नहीं लैम्डा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप का तो मैग्नीट्यूड रूट थ्री हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू में से कोई भी एक हो सकती है, ठीक है, तो दोनों ही में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है प्रोजेक्शन देखना था, अब बी वेक्टर हमारे को मिल चुका है, हालांकि बी की दो पोजीशन मिल गई कि एक पैरेलल हो सकता है, एक जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है लैम्डा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है, हम लोग दोनों से ही आंसर निकाल लेते हैं। तो अब ने कहा कि हमारे पास जो है हमको निकालना क्या था कि थ्री ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अंडर रूट टू का जो प्रोजेक्शन देखना था वो सी पे देखना था, तो सी का यूनिट वैक्टर लेना पड़ेगा, थ्री टाइम्स ए डॉट सी प्लस का रूट टू टाइम्स बी डॉट सी और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। सी वेक्टर मालूम ही मेरे को, बी वेक्टर लैम्डा के टर्म में निकल चुका है, ठीक है, प्लस माइनस रूट टू में से कोई भी ले सकते हैं। तो अब यहां से जो है अगर हम बी डॉट सी के बारे में बात करें तो माइनस का सिक्स लैम्डा आता है, और ए डॉट सी के बारे में बात करते हैं तो ए भी मालूम है सी भी मालूम है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट सिक्स आ जाता है, तो और लैम्डा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट टू में से आपको दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी, ठीक है, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो एक तरह से माइनस प्लस सिक्स रूट टू बन जाएगा, क्योंकि आप लैम्डा की वैल्यू रूट टू ले रहे हो कि माइनस रूट टू ले, आंसर डिफर करेगा, ठीक है, तो इससे आंसर आपके जो है दो बन जाते हैं, ठीक है, एक आंसर आपका जाता है थ्री रूट टू और एक आंसर आपका जाता है थ्री रूट टू बाई फाइव, तो चूंकि ओनली वन करेक्ट है तो हमको थ्री रूट टू दे ही रखा है, तो उस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम था कि जो बी वेक्टर है, जो ए वेक्टर है और जो वाई एक्सिस है वो कोप्लेनर है, तो वाई एक्सिस के लोग मैंने एक वेक्टर ले लिया जे कैप, तो बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स जे ले लिया, और ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री रोटेट किया हुआ, तो लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन आ गया डॉट प्रोडक्ट को जीरो करके, ठीक है। अब हमने जब म्यू को माइनस का थ्री लैम्डा ले लिया तो लैम्डा के टर्म में बी वेक्टर आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, तो हमें लैम्डा की दो वैल्यू मिल गई, रूट टू या माइनस रूट टू। अब किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी या नॉन वेक्टर पे जब लोग लेते हैं, किसी दूसरे वेक्टर पे लेते हैं, तो जिस वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ले रहे उसको तो पूरा ले लिया, लेकिन जिस पे हमने प्रोजेक्शन देखना उसका यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, तो ए डॉट सी मालूम है, बी डॉट सी हमने निकाल ही लिया, ठीक है, क्योंकि बी के लिए लैम्डा के टर्म में मालूम है, लैम्डा की दोनों वैल्यू भी मालूम हो गई, तो एक बार लैम्डा के लिए रूट टू लोगे एक बार माइनस रूट टू लोगे तो आपके दो आंसर आ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, बट फिलहाल ओनली वन है तो आपको थ्री रूट टू तो दे ही रखा है, उस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द सर्किल आर अल्फा कॉमा जीरो एंड वन कॉमा बीटा, यानी जो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा जीरो और वन कॉमा बीटा वो लाइन पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए और सर्किल पे भी सेटिस्फाई करने चाहिए, लाइन में तो ए और बी फंसे हुए हैं, जबकि ए और बी दे रखे हैं कि भाई इक्वल नहीं है, लेकिन मालूम तो है नहीं, लेकिन सर्किल तो क्लियर है कि इसमें इक्वेशन तो दे ही रखी है, तो आप अल्फा और बीटा तो यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है, तो ए जो होगा और बी जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा सर्किल को, तो यानी कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा की वैल्यू जीरो आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू जीरो या टू में से कोई भी हो सकती है, और वन को बीटा सेटिस्फाई करेंगे तो वन माइनस वन प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का टू जीरो, यानी बीटा की वैल्यू वन हो सकती है या माइनस वन हो सकती है, तो टू सी वन इंटू टू सी वन करें तो अल्फा बीटा के हिसाब से जो है पॉइंट ए और बी को हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कौन कौन सा अल्फा यहाँ पे यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको ए दे रखा है अल्फा कॉमा जीरो तो अल्फा जीरो या टू में से कोई लेना है, बी दे रखा है वन कॉमा बीटा तो बीटा वन या माइनस वन से भी कोई दे रखना है, ठीक है। अब हमें ये भी दे रखा है कि जो ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसका जो स्लोप होएगा वो माइनस का ए अपॉन बी होएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास माइनस वन नहीं हो सकती है, ये आपको कुछ पॉइंट इसमें से इलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे आपके पास अल्फा की दो पॉसिबिलिटी हैं, बीटा की कुछ दो पॉसिबिलिटी हैं, तो आप सारे परमुटेशंस को जब बनाओगे कभी अल्फा को टू लेके या जीरो लेके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो स्लोप होना चाहिए वो माइनस वन नहीं होना चाहिए लाइन का, क्योंकि ये पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करने है, क्योंकि इसका स्लोप माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इन सारी पॉसिबिलिटी को जो हम ध्यान रखते हैं,
और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है वो क्या करेगी, पास करेगी ए और बी से, ठीक है ना, लाइन ए और बी से पास भी करेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास जो है अल्फा की जो वैल्यू है, यानी जो ए पॉइंट आपका बनता है वो 0.0 बनता है, यानी अल्फा की जो 0 एक्सेप्ट हो जाती है, और बी की जो वैल्यू है वो आपकी बन जाती है 1.1, यानी अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 यहाँ पे पास हो जाएगी, बाकी लोग रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो स्लोप वाली चीज जो है कहीं ना कहीं स्लोप 1 आने लगता है, तो 1 वाली चीज को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो स्लोप -1 वाली चीज जो है हमें नहीं चाहिए, और इसमें ए बी का जो स्लोप आ रहा है वो 1 आ रहा है, और ओरिजिन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है लाइन को, ax + by = 0 को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब आपको जो है करना क्या है कि एक सर्किल लेना है जिसके लिए डायमीटर ए बी हो जाए, ठीक है। द इमेज ऑफ सर्किल विद ए बी एज डायमीटर इन द लाइन, तो जो एक सर्किल है जिसकी डायमीटर ए बी है उसका इमेज निकालना इस लाइन पे, तो वो भी एक अनदर सर्किल आएगा, ठीक है। तो सर्किल हुज डायमीटर इज ए बी, तो डायमीटर फॉर्म वाला यूज कर लो, तो x माइनस 0 y माइनस 0 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो सेंटर तो हाफ कॉमा हाफ हो जाएंगे, ठीक है, और रेडियस हो जाएगी हमारे पास AB का हाफ हो जाएगी, तो सेंटर जो होगा 1/2, 1/2, और जो रेडियस होगी वो 1/√2। ये वो सर्किल है जो AB को डायमीटर मान के चल रहा है, ठीक है। अब इसका हमें इमेज निकालना है, तो एक सर्किल का जब हम इमेज निकालेंगे तो मेनली सेंटर के ही कोऑर्डिनेट आपको निकालने, क्या करेगी, सेंटर सी है तो उसका जो इमेज आएगा सी डैश वो निकल के आ जाए, ये लाइन मिरर हो जाएगा हमारे पास। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सेंटर के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेडियस तो हमारी सेम ही रहेगी, रूट टू ही रहेगी, 1/√2 सॉरी, ठीक है। तो इमेज वाला जो बेसिक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ था बस वही लगा देंगे, ठीक है। तो x माइनस हाफ अपॉन ए, y माइनस हाफ अपॉन 1 बी माइनस का 2 इंटू ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के लू 1 है, बी के लू 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और ये 3 माइनस का 3। तो x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, आपका जो c डैश आ जाता है वो माइनस का 5/2 कॉमा माइनस का 5/2 बन जाता है, और रेडियस 1/√2। तो जो हमारा सर्किल है जो कि रिक्वायर्ड सर्किल है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बन जाता है, जो इसी फॉर्म में आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला पार्ट सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस ये चेक करना था कि कौन से अल्फा और बीटा जो है हमको यहाँ पर दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि आपको लाइन मतलब सर्किल पे तो आपने निकाल लिया सेटिस्फाई किया, लेकिन इसका जो स्लोप है जो कि दे रखा है कि ए और बी बराबर नहीं है, तो स्लोप जो है माइनस ए अपॉन बी, तो स्लोप माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो जबकि हमने जो लिए है उसमें स्लोप 1 आ रहा है, माइनस 1 नहीं आ रहा, तो इसलिए बाकी वाली पॉसिबिलिटी फेल हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसलिए एक पॉइंट हमारा 0.0 भी बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। तो हमसे कहने की यार ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू बी माइनस सी बाई 2 है और बी डॉट सी 0 दे रखा है, डी इज ए वेक्टर सो दैट बी डॉट डी की वैल्यू ए डॉट बी है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी की वैल्यू बताने की क्या आएगी, ठीक है। तो हमने कहा यार ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ से देखें तो बी बाहर आ गया ए डॉट सी माइनस सी बाहर आ गया ए डॉट बी, जिसके बारे में कहा गया कि b माइनस सी अपॉन 2 है। तो कंपेयर करें b और c के वेक्टर्स के कोफिशियंट, तो a डॉट c की वैल्यू हाफ आ जाती है और a डॉट b की वैल्यू भी हाफ आ जाती है, तो दोनों चीजें हाफ और हाफ आ गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि
बी डॉट डी की वैल्यू जो है ए डॉट बी के बराबर दे रखी है, उसका भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी निकालना है। तो वैसे तो इसका बेसिक फॉर्मूला ही होता है, ठीक ना, लेकिन अगर चाहो तो इसको एक्स मान लो, तो इस तरह से क्या जाएगा, एक्स सी डी हो जाएगा एक्स क्रॉस सी डॉट डी, यानी एक तरह से आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इस पूरे से साथ डी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये जाएगा बी ए डॉट सी माइनस ए बी डॉट सी और इस पूरे के साथ डी का डॉट प्रोडक्ट। तो बी डॉट डी इंटू ए डॉट सी माइनस का ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। अब इसमें से हमें ये दो वैल्यूज तो मालूम है, ए डॉट सी की वैल्यू और ए डॉट बी की वैल्यू, और बी डॉट सी तो जीरो ही है, ठीक है, तो ये तो टर्म जीरो ही हो गया हमारा। और इसकी बी डॉट डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ठीक है, बी डॉट डी ए डॉट सी बी डॉट डी ए डॉट सी, ए डॉट सी हमको मालूम है कि 1/2 है, ठीक है, बी बाहर आ गया, ए डॉट सी बी डॉट डी बी डॉट डी, तो बी डॉट डी की वैल्यू जो दे रखी है ए डॉट बी के बराबर, तो ये भी हमें मिल गया, ठीक है, बी डॉट डी की वैल्यू ए डॉट बी के बराबर है, तो ये ए डॉट बी के बराबर है, तो ये भी 1/2 हो ही गया था, ठीक है, और ए डॉट सी हमारा जो है ये भी 1/2 है। तो जिन्होंने ये दे रखा है कि बी डॉट सी की वैल्यू बी डॉट डी की वैल्यू ए डॉट बी के बराबर है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये आंसर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बी डॉट सी तो जीरो ही हो गया, तो आंसर इज 1/4, तो आंसर इसका जो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बट बस इसी क्वेश्चन में स्कोर इसीलिए रखा है कि सब कुछ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अगर कि एक फंक्शन जो है ओपन ब्रैकेट 0 से लेके 1 से लेके ऑल रियल के लिए डिफाइन किया गया है, और एक नया फंक्शन जो डिफाइन किया है जी एक्स जो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, चार ऑप्शन इसके हिसाब से बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये नया फंक्शन जो जी एक्स है वो निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां एक्स वहां पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 - e की पावर x, और एफ एक्स तो ये दे ही रखा था e की पावर x - 1, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 / e की पावर x, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 - e की पावर x 1 + e की पावर x, तो ये हमारा जो है फंक्शन निकल के आ गया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x - 1 + 2 / 1 - e की पावर x, यानी माइनस का 1 + 2 × 1 - e की पावर x। अब क्योंकि हमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 1 1 है या मैनी 1 है, तो डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं, तो जी डैश एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 / 1 - e की पावर x² एक माइनस और आ जाएगा, मतलब डिवाइड रूल लगा लो, ये 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t² और e की पावर x के साथ माइनस लगा हुआ है बाहर, ठीक, तो एक माइनस और आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस का 2ex e की पावर x, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में आपका कभी डिनोमिनेटर 0 भी नहीं हो रहा, यानी ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन एक तो कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि केवल डेरिवेटिव देख के आप नहीं कह सकते हो कि फंक्शन हमेशा 1 1 होगा कि नहीं होगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है और इंक्रीजिंग है तो फिर तो 1 1 हो जाएगा, या कॉन्टिन्यूस है और डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो 1 1 हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर ग्राफ बना के चेक करना पड़ता। तो फिलहाल आपके पास 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो 1 1 तो होगा ही, ठीक है, दोनों ऑप्शन मेरा काम बन गया, क्योंकि हमारे को इंक्रीजिंग भी मिल गया और 1 1 भी मिल गया, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो गए, कॉन्टिन्यूस एन 0 to 1 एंड इंक्रीजिंग, हेंस 1 1 हो जाएगा। क्योंकि e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी जब x 0 होगा, 0 पे तो वैसे भी हम लोग ओपन ही है, ठीक है, और बीच में 0 से 1 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस भी है और पॉजिटिव है डेरिवेटिव में। अब मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है,
कि ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है कंट्रडिक्शन है कि टॉटोलॉजी है कि इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी डेफिनेशन बन रही है, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि आप लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हो, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि आप जो बेसिक थ्योरी होती है उसका यूज करते हो, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे बेसिकली क्या होता है कि एक्स इंप्लाइज वाई का मतलब होता है नेगेशन, इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा इसके हिसाब से जो है नेगेशन ऑफ एक्स की जगह हो गया पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, और वाई की जगह हमने यहाँ पे जो यूज किया है वाई की जगह यूनियन वाई, वाई का मतलब हो गया पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन, क्योंकि इसका नेगेशन ले लिया हमने आगे वाले का, ठीक है, क्यू जाएगा ये, मतलब नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू था तो उसको हमने नेगेशन भी लिया, तो नेगेशन पी यूनियन क्यू हो गया यूनियन। अब यहाँ पे फिर से वही डेफिनेशन लगा दिया, एक्स इंप्लाइज था ऐसा काम पी कर गया और वाई का काम नेगेशन ऑफ क्यू कर गया, तो ये जाएगा नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि ये नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया, ठीक है, कि नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। तो अब ये जो क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू है वो तो टॉटोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास नेगेशन ऑफ पी यूनियन टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी से किसी चीज का आप यूनियन लोगे तो आपको टॉटोलॉजी ही मिलने वाली है, ठीक है, तो दिस इज टॉटोलॉजी। तो आपको कोई ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, आंसर जो है आपका थ्री वाला हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जितना ट्रुथ टेबल का यूज ना हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, आपको सारे ऑप्शंस की ट्रुथ टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है, इसी जगह। तो ये भी आसान क्वेश्चन था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपने लगाए होंगे पहले भी, ठीक है। तो आसान का मतलब ये होता है कि आपने पहले से जो क्वेश्चन करे हुए हैं थोड़े से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखते ही हो जाएंगे, ठीक है, इन्हीं से स्टार्ट करना होता है पेपर में। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बताना है, ठीक है, इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 एन टी की जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में है, ठीक है, और x के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है, और इस फंक्शन के बारे में बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग केसेस को देखना होगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, उसके हिसाब से जो है मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, मॉड ऑफ x माइनस टी को, ठीक है। तो हमने पहला केस लिया कि अगर x 2 से बड़ा है तो x माइनस टी हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि टी तो 0 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो x 2 से अगर बड़ा है तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक करेगा। तो आपके पास जो ये fx होगा इन x 2 ग्रेटर x ग्रेटर देन 2 के लिए जो फंक्शन आएगा 0 से लेके 2 e की पावर x माइनस t dt, में से e की पावर x तो बाहर ही आ जाएगा और e की पावर माइनस t को आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 2 के बीच में, तो ये चीज आपके बन जाती है e की पावर x इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 2, यानी 1 अपॉन e स्क्वायर बन जाता है, इंटीग्रेट कर लोगे e की पावर माइनस t का, ठीक है। हमने कहा कि केस टू लेते हैं कि अगर हमारा एक्स जो है वो जीरो से कम है, क्योंकि टी तो जीरो से टू है, तो हमारे तीन केस बनते हैं कि एक्स जीरो से टू के बीच में है, कि टू से आगे है, कि जीरो से कम है, ठीक है। तो हमने वही दो केस पहले लिए कि एक्स को अगर हम जीरो से पीछे लें तो अब हमारे पास जो एक्स नेगेटिव है टी जीरो से टू के बीच में, तो हमारा जो मॉड होगा वो नेगेटिव से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो एफ एस की जो वैल्यू आएगी जीरो से लेके टू ई की पावर टी माइनस एक्स हो जाएगी, मॉड नेगेटिव से ब्रेक कर गया, ई की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, ये t की पावर t dt हो गया, तो ये सीधा e की पावर x माइनस एक्स, और ये e स्क्वायर माइनस का वन बन जाएगा, e की पावर t को इंटीग्रेट करें लिमिट लगाया, ठीक है, तो ये बन गया। अब हम तीसरे केस में गए जिसमें x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, अगर x 0 से लेके 2 के बीच में तो t भी 0 से 2 के बीच में, कि अब x बड़ा है कि t बड़ा है, हमें मॉड को ध्यान से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एस की जो वैल्यू होगी 0 से लेके x तक अलग रहेगी और x से लेके 2 तक अलग रहेगी, तो x तो 0 से 2 के बीच में है, तो हमारा जो t है अगर 0 से x के बीच में है तो x माइनस t पॉजिटिव से ब्रेक करेगा, क्योंकि t 0 से x है, और यहाँ पे t जब x से बड़ा है यानी x से लेके 2 के बीच में t को ले रहे हैं, क्योंकि इंटरवल में ब्रेक कर लिया दो अलग अलग, तो जब t जो है x से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि मॉड नेगेटिव से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि टी जो है एक्स से बड़ा हो गया,
ठीक है, तो e की पावर t माइनस x हो जाएगा dt, तो इसमें से e की पावर x बाहर आ जाएगा, ठीक है, e की पावर x से बाहर आ जाएगा, और 0 टू x e की पावर माइनस का t dt, यहां से e की पावर माइनस x बाहर आ जाएगा, x से लेके 2 e की पावर t dt, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इससे जो आंसर बन रहा है वो e की पावर x प्लस e की पावर 2 माइनस x माइनस का 2 बन जा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन बना अलग अलग x के लिए, x नेगेटिव के लिए पहले लिख देते हैं, फिर 0 से लेके 2 के बीच में लिख देते हैं, फिर 2 से आगे के लिए लिख देते हैं, तो सबको हमने मॉड ब्रेक करके निकाल लिया, ठीक ना, तो e की पावर x 1 माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर, नेगेटिव के लिए क्या था e की पावर माइनस एक्स ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, अच्छा, और यहां पे था e की पावर x e की पावर 2 माइनस एक्स माइनस का 2, तो ये हमारा जो है फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, ठीक है, तो अब इसका f डैश x अगर हम देखें तो e की पावर माइनस x जो होगा हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हमेशा डिक्रीज करता है, f जो है डिक्रीज करेगा फॉर x नेगेटिव, तो पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा 0 तक, ठीक है, और यहाँ वाले पार्ट को देखें तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, e की पावर इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, ठीक है, और 1 माइनस e स्क्वायर तो 1 अपॉन e स्क्वायर तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये f जो है हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा फॉर x ग्रेटर देन 0, और ये हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हो 0 पे, चाहे लेफ्ट साइड लेफ्ट लिमिट निकालो चाहे राइट लिमिट निकालो, तो इसके लिए ई स्क्वायर माइनस 1 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू अगर हम 2 पे निकालते हैं तो वो भी ई स्क्वायर माइनस 1 आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा 0 और 2 पे कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, और दो पोर्शन में तो आपने दिखा दिया कि एक में इंक्रीजिंग है, एक में पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो हमने कहा कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है 0 से लेके 2 वाला, ठीक है, 0 से लेके 2 वाला, तो इसको थोड़ा सा अलग से कंसीडर करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है e की पावर x प्लस e स्क्वायर अपॉन e की पावर x माइनस 2, तो इसमें अगर हम amgm लगाएं तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो e की पावर x प्लस e स्क्वायर अपॉन e की पावर x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, यानी ये जो टर्म होगा वो आपका 2e से बड़ा आएगा, यह जो टर्म आएगा वो 2e से बड़ा आएगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी जब x की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 होगी तो m और gm बराबर आ जाएंगे हमारे, ठीक है, यानी e की पावर x की वैल्यू e स्क्वायर अपॉन e की पावर x हो जाए, यानी 2x की वैल्यू 2 हो जाए, यानी x की वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 हमारा 0 से 1 के बीच में ही इंटरवल में पड़ रहा है, यानी आप समझ रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो पहले डिक्रीज कर रहा है और यहां से आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी ग्राफ का कुछ नेचर आपको इस टाइप से लगेगा कि पहले डिक्रीज किया, यहां पे इंक्रीज किया, और 0 से लेके 2 वाले बीच में जो है कहीं कहीं 1 पे जो है इसकी वैल्यू मिनिमम आ जा रही है 2 टाइम्स e माइनस 1, ये 0 पे वैल्यू आ रही है ना, ये 0 पे वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 पे, 0 और 2 पे बराबर ही आ रहा है, ठीक ना, और 0 से पहले डिक्रीज कर रहा है, 2 के आगे इंक्रीज कर रहा है, और इस पोर्शन में जो 0 से 2 के बीच में पोर्शन है मिनिमम वैल्यू मिल रही है 2 टाइम्स e माइनस 1, क्योंकि इस पोर्शन में ग्राफ नॉन मोनोटोनिक है, ठीक ना, तो हमारे पास ओवरऑल जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1 पे ही मिल जा रही है, व्हिच इज 2 टाइम्स e माइनस 1, तो ये अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अगर हम amgm का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो जा रहा है, क्योंकि e की पावर x और मतलब उसमें 1 अपॉन e की पावर x वाला फॉर्म बन जा रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, तो 2e माइनस 2 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, e स्क्वायर माइनस 1 पे 0 पे और 2 पे दोनों बराबर आ रहे हैं e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि कंसीडर द टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 और एक तीसरी लाइन L3 जो है जिसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और वो L1 को P पे काट रही है और L2 को जो है Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको PQ जो लाइन सेगमेंट आएगा उसके बीच की दूरी निकालनी, लेंथ निकालनी है उसकी, ठीक है,
नहीं ठीक है, पी पॉइंट को हमने इसमें कुछ ले लिया, टू लैम्डा प्लस वन कॉमा लैम्डा प्लस थ्री कॉमा टू लैम्डा प्लस टू। किसी किसी म्यू के लिए हमने क्यू पॉइंट एल टू पे मान लिया, तो म्यू प्लस टू, टू म्यू प्लस टू, थ्री म्यू प्लस थ्री। अब पी क्यू वेक्टर जो होगा और आई माइनस का जे माइनस का टू के, ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ये लाइन जो है पी और क्यू पे काट रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियो तो एल थ्री के दे ही रखे थे, तो जो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो होंगे एल थ्री के। तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू वाला फॉर्म लगा लिया जाए, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा टू लैम्डा माइनस का म्यू माइनस का वन अपॉन अपॉन वन इज इक्वल टू लैम्डा माइनस टू म्यू प्लस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू टू लैम्डा माइनस का थ्री म्यू माइनस का वन अपॉन माइनस टू। तो ये क्वेश्चन बन जाती है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू कोलिनियर वेक्टर्स का फॉर्म लगा दिया, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो है लैम्डा की वैल्यू थ्री और म्यू की वैल्यू भी थ्री आ जाती है। करना क्या है आपको कि यार ये दो इक्वेशन ली लैम्डा म्यू, पहली इक्वेशन यहां से आ जाएगी और फिर ये दो इक्वेशन लैम्डा म्यू में दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, तो दो इक्वेशन दोनों तो लैम्डा भी निकल आएगा म्यू भी निकल आएगा, ठीक है। तो लैम्डा भी थ्री आ जाता है और म्यू भी थ्री आ जाता है। अब इस जब लैम्डा और म्यू को हम वापस डालते हैं पी और क्यू में, तो उसका ना जो पी पॉइंट आ जाता है वो सेवन सिक्स और एट आ जाता है और जो क्यू पॉइंट आ जाता है वो फाइव एट और ट्वेल्व आ जाता है। तो आपको जो पी क्यू की लेंथ आएगी वो अंडर रूट ऑफ टू रूट सिक्स आ जाती है, ठीक है। तो टू रूट सिक्स यानी डी पार्ट आ जाता है। तो एक पॉइंट हमने एल वन पे एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट एल टू पे एज्यूम कर दिया, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन जो थे पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हो गए, उसको हमने L3 की डायरेक्शन रेशियो को सेट करा दिया, कोलिनियर करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहे हैं कि यार एक ये मैट्रिक्स हमें A दे रखा है और एडजॉइंट ऑफ A स्क्वायर के डिटरमिनेंट की वैल्यू में से क्या आएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि यार इन सभी में लॉग में बेस x है, सेकंड रो में देखें तो लॉग में बेस y है, थर्ड रो में देखें तो लॉग में बेस जो है वो z है और x y z सब पॉजिटिव है, वन से बड़े हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस वाले वन को जो है लिख दिया लॉग ऑफ x के बेस पे x, इस वाले थ्री को हमने लिख दिया लॉग ऑफ z के बेस पे z थ्री टाइम्स, और ये जो टू है उसको लिख दिया हमने टू टाइम्स लॉग ऑफ y के बेस पे y, ताकि पहली रो में सब में बेस x हो जाए, दूसरी रो में सब में बेस y हो जाए और तीसरी रो में सब में बेस z हो जाए, ताकि कैलकुलेशन पार्ट में आसान हो जाए कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के हम डिटरमिनेंट a पहले निकाल लें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो हो जाएगा, अच्छा एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी की, लॉग ऑफ a के बेस पे अगर b लिखा है तो लॉग ऑफ e के बेस पे b अपॉन लॉग ऑफ e के बेस पे a कह सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे यूज कर दिया, सब में जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वन अपॉन लॉग एक्स पहली रो से कॉमन आएगा, वन अपॉन लॉग एक्स लॉग वाई दूसरी रो से कॉमन आ जाएगा बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, वन अपॉन लॉग जेड तीसरी रो से कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास डिटरमिनेंट बनेगा लॉग ऑफ एक्स, सब में बेस हमने एक्सपोनेंशियल ई ले लिया, लॉग ऑफ वाई log of z, यहाँ पे जाएगा log of x, यहाँ पे भी log of x, यहाँ पे two log of y, log of y, log of z, log of z। हम कॉलम वाइज log x log y log z कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a जो हो जाएगा log x log y log z जो हम कॉमन लेंगे तो कट ही जाएगा, पहली रो से पहले कॉलम से log x कॉमन लिया, दूसरे कॉलम से log y कॉमन लिया, तीसरे कॉलम से log z कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 2 1 1 1 3। अब ये डिटरमिनेंट आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा हमारे पास ये निकल के आ जाएगा
इनटू हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना, तो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर एन माइनस वन, एन यहाँ पे थ्री है, ठीक है, ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, तो एन माइनस वन की वैल्यू 2 हो गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उस पूरे का फिर होल स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब बेसिकली हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, वेयर बी इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8, जो कि 2 की पावर 8 बन जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट इन थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है, बस लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का यूज है, ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई। क्वेश्चन में 15 देखते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हालांकि इनडेफिनेट से क्वेश्चन कम आते हैं, डेफिनेट से ज्यादा आते हैं, बट इस पेपर में जो है डेफिनेट का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट का एक आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पर बैठा हुआ है, 2x dx dt हो जाएगा सीधे स्ट्राइक करके, तो जो मेरा इंटीग्रेशन होगा आई जाएगा dt अपॉन t+1, t+3 इसके आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 2 अपॉन दिस, और 2 इनका डिफरेंस भी आ रहा है, यानी एक 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा के थोड़े से को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया। आप नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल के, ठीक है, दो आसान से लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं नीचे। तो अब इसके बाद जो है दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे इसके, 1/t+1 माइनस का 1/t+3 dt, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ t+1/t+3+c आ जाएगा, यानी बेसिकली आप टी की वैल्यू फिर से अगर वापस रखोगे एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन एफ एक्स जो आ गया 1/2 log of x² + 1 x² + 3 + c आ गया। अब हमने इसे पुट किया x की वैल्यू 3, ताकि इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट निकल के आ जाए, एफ ऑफ 3 जो है मेरे पास 1/2 log of 5/6 दे रखा है, और ये हो जाएगा 1/2 log of 10/12 + c। 10/12 तो 5/6 ही हो जाएगा, तो यानी c की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो इसका मतलब c की वैल्यू हमारी 0 आ गई, ठीक है। तो नहीं, हमने s की वैल्यू 3 डाल के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकाल लिया, अब हमें f ऑफ 4 निकालना है, c तो 0 आ ही चुका है, ठीक है, तो 1/2 log of x² + 1 upon x² + 3, तो 4 डालेंगे तो 16+1 16+3 प्लस का 0, सी तो 0 ही था, ठीक है, तो हाफ log of 17 माइनस log of 19, ये f of 4 की वैल्यू आ गई, तो आंसर जो होगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, तो इजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि क्या इजी, किस लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग इजी मान रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही सरल बहुत ही, मतलब देखते ही समझ में आ रहा है कि यार इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानना है और पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी सोचना ही नहीं, मतलब पेन चलाते जाओ करते चले जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे कि द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट ऑफ y, common tangent y equal to mx plus c where m is positive to this curve. तो एक point की जो है distance निकालनी है इन दो parabola के common tangent से, और वो tangent का जो slope m है वो positive होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा यार जब दो अलग अलग curve में common tangent होती है तो हम m slope की tangents coincide कर देते हैं, एक की y equal to mx plus c1 आएगा, एक की y equal to mx plus c2 आएगा, c1 c2 बराबर करके m निकाल लेंगे, m निकल गया तो tangent निकल आएगा, ठीक है। तो क्लास में तमाम क्वेश्चन उन्होंने करे होंगे, तो y square is equal to 4as के लिए m slope tangent क्या होता था, y is equal to mx plus a by m, तो a यहाँ पे कितना है 1/8, तो 1/8 m हो जाएगा, क्योंकि 4a की वैल्यू एक तरह से 1/2 है,
तो ए की वैल्यू आपकी हो गई 1/2, सॉरी 4a की वैल्यू 1/2 हो गई, तो a की वैल्यू 1/8 हो गई, तो a बाई एम हो गया, ठीक है। अने दूसरा जो पैरा बोला है y square is equal to x minus 1 है, तो उसमें हमारे पास जो x की जगह x minus 1 हो जाएगा m into x minus 1, m तो हम सेम ही लेंगे भाई, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, इसलिए हम m का टर्म m स्लोप के टर्म में ले रहे हैं, ठीक है, प्लस का a बाई एम, तो a यहाँ पे जो है 1/4 है। अब दोनों के c1 और c2 को बराबर कर दिया जाए ताकि m निकल के आ जाए, ठीक है, तो c1 इक्वल टू c2 किया, तो 1/8 m हो गया इसका कांस्टेंट m, इसका हो जाएगा माइनस का m प्लस 1/4 m, तो यहां से m की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे आपकी, ठीक है, m में मतलब आसान से m स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 1/8, तो 1/2√2 ले लेते हैं और माइनस का 1/2√2 आ जाता है, तो ये हम ले लेंगे क्योंकि m पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। m की वैल्यू आप किसी भी एक टेंजेंट में डाल दो, ठीक है, तो जो कॉमन टेंजेंट है वो निकल के आ जाएगी, तो लेट्स से इसी में डाल देते हैं, ठीक है, तो 1/2√2 और 2√2 का रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, नीचे 8 है, तो 2√2 से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो y माइनस 2√2 x प्लस 1 2√2, ठीक है, x माइनस वाई इंटू 2√2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका जो है कॉमन टेंजेंट निकल के आ जाता है। अब आपको इस पे जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है 6, माइनस के 2√2 से, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 6, माइनस का 2√2, तो यार 5 आ जाएगा, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला लगा लो, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 6 + 8 प्लस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 15 upon 3 = 5, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ हमें 17 में कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक्स इज इक्वल टू 2 जो है इस 4 डिग्री फंक्शन का जो है पॉलीनोमियल फंक्शन दे रखा है 4 डिग्री का, और x माइनस 4 से 4 के बीच में, इसमें 2 पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, कैपिटल m जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो बताना कि कैपिटल m की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल m इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इन माइनस 4 टू 4, तो ना देखते हैं भी कहां कहां इसके मैक्सिमम मिनिमा मिल सकते हैं, f डैश x निकाल लिया जाए, तो 8x³ माइनस का 36x प्लस का 8, तो 8 तो कॉमन ही आ गया, ठीक है, और एक फैक्टर्स का 2 तो होना ही हो चाहिए, एक रूट्स का 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 पे तो इसको कहीं ना कहीं लोकल एक्सट्रीमा यानी मिनिमम तो मिल ही रहा है, ठीक है, तो x माइनस 2 से इस पॉलीनोमियल में डिवाइड कर दें f डैश x में, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे, तो जो अनदर फैक्टर आ जाता है 2x² + 4x - 1, यानी आपने क्या किया कि इसमें x के लिए 2 तो सेटिस्फाई कर ही रही है, x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोशेंट आएगा वो ये बन जाएगा, 4 हम ऑलरेडी पहले कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, तो आपका ये अनदर फैक्टर एक बन जाएगा, क्यूबिक के तीनों फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है, तो हमने कहा यार इसके फैक्टर तो निकल जाएंगे लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो रूट्स आएंगे एक आ जाता है, दराचार से निकाल लेंगे इसके रूट्स, ठीक है, तो इसके जो रूट्स हमारे आ जाएंगे वो हो जाएंगे -√6/2, और दूसरा जाता है -√6/2, और एक तो 2 है ये, उसका साइन चेंज मेथड देखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो सारे रूट इसके -4 से 4 के बीच में ही है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लोकल मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और यहाँ पे भी लोकल मिनिमा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट -4 से 4 के बीच में ही है, तो ये 2 पॉइंट पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, और बीच में एक जो पॉइंट मिल रहा है √6 - 2/2, उस पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, तो fx जो है इस लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू
रूट सिक्स माइनस का टू अपॉन टू। अच्छा, चूंकि ये x जो है उस क्वाड्रेटिक का रूट है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 का, तो इस पे हमें ये बात क्लियर है कि 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4x आएगी, क्योंकि ये रैशनल रूट हम 4 डिग्री इक्वेशन में जब डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी अजीब से आएगी, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2x स्क्वायर को 1 माइनस 4x से इलिमिनेट करके डिग्री कम कर देंगे एफ एक्स की, या आप उसमें डिवाइड भी करके कर सकते थे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 से डिवाइड कर देते, फिर एस की वैल्यू ये रखनी पड़ती, ठीक ना। तो हमने ये सोचा कि हमें जो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है, हम उसके बजाय 2x स्क्वायर को 1 माइनस 4x डाल के फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, और आखिरी में एस के लिए ये डाल देंगे माइनस 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2, पहले डिग्री कम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 1 माइनस 4x अपॉन 2 तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यही बस कैलकुलेशन पार्ट था इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन की जो वैल्यू है 2x की पावर 4, ठीक है, माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 12, सोच सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 4x की पावर 4 यानी 2x स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 9 इंटू 2x स्क्वायर यानी 1 माइनस 4x। अभी x वाले टर्म को हम रख दे रहे हैं, आखिरी में केवल हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। हम x स्क्वायर को पूरी तरह से हटाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होता है 7 बाई 2 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 40x। अब इसको फिर से करेंगे, 2x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो 4 इंटू 1 माइनस 4x और प्लस का 40x, तो अब यहां से जाएगा 15 बाई 2 प्लस का 24x। अब हम आखिरी में x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, अब तो कुछ और हो नहीं सकता, डिग्री से कम तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब x की जो वैल्यू हमने निकाली हुई थी रूट 6 माइनस का 2 अपॉन शायद 2 था, ठीक है, इतना, ठीक। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 रूट 6 माइनस का 33 अपॉन 2, तो आंसर जो होगा 4 वाला हो जाएगा। तो हमने पहले तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए, और दो पे हमें मिनिमम मिल रहा है और बीच वाले पे जो हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक ना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो थी इस पॉइंट पे, बट क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है अगर हम इसमें 4 डिग्री इक्वेशन में इतनी इरेशनल वैल्यू डालते। तो बस हमने उसके बजाय क्या कर दिया कि एक्स स्क्वायर को लिमिट करके एक्स के टर्म में ले लिया, 2x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 4x, और जहां जहां एक्स स्क्वायर आता चला गया हम उसको एक्स में लेते गए, आखिरी में एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इज दिस। तो एक लाइन में एक पॉइंट पी से जो है इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रही है माइनस का 3, 2, 3 से, और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो मैं दे रखा है 3i 3j माइनस का k। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 6, -2। तो ने क्या सोचा कि ये एपी वेक्टर निकाल लिया हेड माइनस टेल के साथ से पी माइनस ए करके, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वेक्टर लिया बी कैप ले लिया, पी का यूनिट वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो क्या जाएगी, ए पी साइन थीटा, अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो इसका साइन कंपोनेंट ही तो आएगा, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि पी क्यू इज इक्वल टू ए पी वेक्टर क्रॉस बी कैप, क्रॉस बी कैप, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप आएगा वो तो वन ही आएगा एपी, और एंगल बिटवीन एपी एंड बी कैप क्या होगा थीटा, तो एपी साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो आपको एपी वेक्टर मालूम ही है, ठीक है, हेड माइनस टेल के हिसाब से 7i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से कराना पड़ेगा 3i प्लस 3j माइनस k, क्योंकि बी में हमें कैप लेना था यानी यूनिट वेक्टर लेना था, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा लें, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो हमारा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 1। तो यार क्रॉस प्रोडक्ट करा के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है अंडर रूट 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ 266 अपॉन अंडर रूट ऑफ 19, तो अंडर रूट ऑफ 14 इज द आंसर, ठीक है। तो ये जाता है बस अंडर रूट ऑफ 266 अपॉन अंडर रूट ऑफ 19, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 14 बन जाता है, तो नहीं जो पहला ऑप्शन है वो बन जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अदरवाइज फिर आप यहाँ पे जो है इसको लाइन की क्वेश्चन निकालते, ये पॉइंट लैम्डा के टर्म में निकालते,
ठीक है, तो इसका b वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 करके 90 डिग्री ये है, जो हम यूजुअल तरीके से करते हैं लैम्डा निकाल के, लैम्डा का हमने ये पॉइंट ले ली लाइन में और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट b से 0 करा दिया, तो ये पॉइंट आ गया, फिर डिस्टेंस निकाल लो। पर बेटर क्या है कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको कोई क्यू पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यू आपसे पूछा तो है नहीं कि लेंथ पूछी गई है, तो आप सीधा क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बाइनोमियल का आया हुआ है, ठीक है, कह रहे हैं कि ए आर जो है वो 10 की पावर x की पावर 10 माइनस आर का क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है कि एस की पावर आर का क्वेश्चन ए आर लगता है, जो कह रहा है उसको मानना पड़ेगा भाई एस की पावर 10 माइनस आर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 प्लस एस की पावर 10 में। मैंने कहा यार ये जो ए आर आएगा वो 10 माइनस आर आएगा, क्योंकि 1 प्लस एस की पावर 10 में एस की पावर 10 माइनस आर का ऑप्शन जो है 10 माइनस आर आएगा, ठीक है, जो उसको उन्होंने ए आर से डिफाइन किया है। तो ए आर माइनस 1 कितना आएगा, 10c 11 माइनस आर, क्योंकि आर की जगह आर माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है, तो 11 माइनस आर हो गया। अब हमने कहा कि यार जो समीशन दे रखा है आर क्यूब इंटू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ए आर माइनस 1 नीचे था, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल, 10 में से चला जाएगा तो जाएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इस पूरे का स्क्वायर एंड आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 10, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने मतलब ए आर को एनसीआर के फॉर्म में ले लिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, एनसीआर की वैल्यूज रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जो है लिख सकते हैं हम लोग आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो एक आर माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, 10 फैक्टोरियल तो कट चुका है, इसको लिख सकते हैं 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 11 माइनस आर बच जाएगा। तो ओवरऑल जो चीज बचेगी वो समेशन ऑफ आर क्यूब 11 माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 10, तो आर एक स्क्वायर कट जाएगा, तो समेशन ऑफ आर इंटू 11 माइनस आर का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, तो वही है, इसका स्क्वायर खोलो, सिग्मा आर क्यूब वाला फॉर्मुला लगाओ, जो समेशन आर स्क्वायर समेशन आर क्यूब वाले फॉर्मुले होते थे वो यूज हो जाएंगे, ठीक है, और इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1210, यानी सिग्मा वाले फॉर्मुले लगाने, ठीक है। तो क्वेश्चन बाइनोमियल से दोहरा गया, समेशन वाला फॉर्मुला बन गया, तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस सीरीज का भी यहाँ पे यूज हो गया, तो आंसर जो है इसको कैलकुलेट करोगे तो डी पार्ट यानी फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं कि m जो है मैक्सिमम वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर जिनका सम जो है वो 66 है, तो ये तो क्लियर है कि जब हम x प्लस y अपॉन 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x इनटू y करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड करती है जब x और y बराबर हो। यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू आपको दे रखी है 66, ठीक है, तो हम यहाँ पे x और y की जगह a और b कह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दो नंबर हमारे पास हैं क्लियरली m जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 33 इंटू 33 आ जाएगी, भी जब नंबर बराबर होंगे, ठीक है, तो एम जी एम बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सम 66 था, तो सम मतलब x और y 33 हो गए दो नंबर्स, ठीक है। अब एक सैंपल स्पेस s डिफाइन कर दिया गया जिसमें एक वेरिएबल x जो इंटीजर है x इंटू 66 माइनस x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5/9 इंटू 33 इंटू 33 से बड़ी होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि एक इवेंट a है जो इसमें x जो है वो सैंपल स्पेस s से लिया गया है जिसमें x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a बतानी है इन सैंपल स्पेस में, वो उन x को हमें लेना होगा फेवरेबल केसेस में जो 3 का मल्टीपल भी हो। पहले तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से x आएंगे वो इनक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, कैपिटल m की वैल्यू रखी दी है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का 66x प्लस 605 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 11 इंटू x माइनस 55 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाता, तो x की वैल्यू 11 से लेके 55, ये हमारा जो है एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हो गए x इंटीजर के, कि आप 11 से लेके 55, तो यहाँ पे 45 वैल्यूज मिल रही हैं
क्योंकि 1 से लेके 55 तक के बीच में हमारे 55 हो गए, लेकिन हम 1 से 10 वालों को हटा दे रहे हैं क्योंकि हम 11 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दीज आर द 45 वैल्यूज विच आर एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स। नाउ फेवरेबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, जो आपको सैंपल स्पेस एस का सबसेट तो लेना है, लेकिन एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ने भैया ए सेट के बारे में जब बात करी तो 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, सॉरी 3 नहीं ले सकते, कोई 11 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, और इस तरह से 54 तक जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो 15 आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी इवेंट ए की, ठीक है, 15 आपके फेवरेबल बेस केसेस हैं और 45 टोटल बेसेस हैं, तो 1/3 जो है इस केस में प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सम 66 था, तो जब दोनों नंबर बराबर बराबर होंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब यानी कि A1, A2, A3 जो है 3 नंबर हैं जो कि एपी में है, जिनका कॉमन डिफेंस जो है वो डी है, कॉमन डिफेंस जो है वो डी है, 3 नंबर हैं जो कि 3 एपी, सॉरी A1, A2, A3 3 एपी हैं जिनका कॉमन डिफेंस डी है, और उनके पहले टर्म जो है A+1 और A+2 है, मतलब आपके फर्स्ट टर्म में 1 का वैल्यू बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहे हैं वैल्यूज, फर्स्ट टर्म एक एक बढ़ रहा है, लेकिन कॉमन डिफेंस सेम है, 3 अलग अलग एपी A1, A2, A3 है। अब ए बी सी जो है वो 7th, 9th, and 17th टर्म है, तीनों एपीज के A1, A2, A3 के 7th टर्म, एक का 7th टर्म दे रखा है, दूसरी वाली का 9th टर्म दे रखा है स्मॉल बी, और स्मॉल सी जो है 17th टर्म दे रखा है। फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है कि -70 है, अच्छा। फिर एक अनदर एपी निकालनी जिसके 20 टर्म्स का हमें सम पूछा गया, इसका पहला टर्म C-A-B और कॉमन डिफेंस D/12 है, ठीक है। तो ये कि डराने की कोशिश की जा रही है आपको, ठीक है, कि आप ये है तमाम चीजें परेशान करने के लिए, बस आप करते चले जाओ, एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। तो ने कहा कि यार ये जो ए आएगा ये हमारे पास 7th टर्म है पहली वाली एपी का, पहली वाली एपी का पहला टर्म ए है, कॉमन डिफेंस कुछ डी है, ठीक है, और 6th टर्म हमें निकालना, 7th टर्म निकालना, तो 6D हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी क्या हो जाएगा, पहली वाली एपी का पहला टर्म, दूसरी वाली एपी का पहला टर्म A+1 है, कॉमन डिफेंस डी, और टर्म कौन सा चाहिए मेरे को 9, तो 8D हो जाएगा ये। सी कितना हो जाएगा, A+2 पहला टर्म हो जाएगा, और टर्म कौन सा चाहिए 17वां, तो 17, तो 16D हो जाएगा। तो आपने ए बी सी को स्मॉल ए कैपिटल ए और डी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, ताकि डिटरमिनेंट को थोड़ा आसान किया जा सके। अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जाएगा A+6D 2 times A+16D+2, और सी की वैल्यू जाएगी A+2 और 16D 7 17 17 1 1 1, और इसके लिए माइनस का 70 दे रखी है। तो मैंने कहीं यहाँ से ए और डी में रिलेशन आएगा या वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक ना। तो इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सिंपलीफाई करना होगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक ना। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे 2 0 तो बनाए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, तो डिटरमिनेंट को हम सीधा बढ़ना करके सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर दें, थर्ड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर दें, तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट का जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो A+6D A+10D+2 और 2+10D 7 10 10 1 0 0, और इसके लिए माइनस का 70 के बराबर। और जब इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो दिस इनटू दिस, तो 10 से तो एक 10 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 10D वाले टर्म आपस में कट जा रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पर सीधा A की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ से आपके पास जो है A की वैल्यू माइनस का 7 आ जाती है, यानी फर्स्ट वाली AP का जो फर्स्ट टर्म है A वो -7 है, ठीक है, दूसरी वाली का 1 ऐड हो जाएगा, तीसरी वाली में भी 1 ऐड हो जाएगा। आपको दे रखा है कि जो स्मॉल A है इसकी वैल्यू जो है 29 दे रखी है, ठीक है, ये जो स्मॉल A है वो 29 है, तो स्मॉल A कितना था हमारे पास, A प्लस कितने 6D, A+6D था, तो 29 = -7+60,
यानी जो कॉमन डिफरेंस है तीनों एपीओ का वो 6 है। तो यहां से आपने एपी के ए निकाल लिए और डी निकाल लिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगला क्वेश्चन हमसे मतलब इसमें जो अगली चीज पूछ रहा है वो एक अनदर एपी है जिसका पहला टर्म सी माइनस ए माइनस बी और कॉमन डिफरेंस जो अपने डी निकला है डी बाई 12 करना उसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कहा सी माइनस ए माइनस बी को हम निकाल लें। ठीक है, तो ए की वैल्यू में ए प्लस 60 थी, बी की वैल्यू ए प्लस 1 प्लस 80 थी, तो वो एबीसी की जो वैल्यू उन्होंने यहाँ पे रखी थी पहले, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज कर लें क्योंकि हमें ए भी मालूम है और डी भी मालूम है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता जाती है ए 1 प्लस 2d माइनस ए, जिसकी वैल्यू हमारे पास बन जाती है 20। तो सम ऑफ 20 टर्म निकालना है, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो डी बाई 12 है, यानी 6 बाई 12 यानी 1 बाई 2। तो इस एपी का जो सम ऑफ 20 टर्म्स है वो हम निकाल सकते हैं 20 बाई 2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि 1 बाई 2 हो चुका है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, 495 आ जाता है कैलकुलेट करने पर। ठीक है, 495, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये लाइन जो है एक दूसरी लाइन के पैरेलल है वो भी अनसिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, P3 = 0 = P4। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेन है जो कि पहली लाइन से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो प्लेन हमारा है, ठीक है, वो इन दो प्लेनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहा है, तो हम फैमिली ऑफ प्लेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहेगा लेट द प्लेन बी, जो पहली वाली लाइन से पास कर रहा है वो L1P1 प्लस लैम्डा P2 वाला फॉर्म हो जाएगा। तो x माइनस 2y माइनस का z माइनस का 5 प्लस का लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 3z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्लेन एज्यूम कर लिया। ठीक है, और हमें लैम्डा यहाँ से अगर निकला है तो काम बन जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी रखा है कि जो ये प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो क्या जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के हिसाब से लैम्डा प्लस 1 आई कैप लैम्डा माइनस 2 जे कैप और 3 लैम्डा माइनस का 1 के कैप। तो ये हमारे इस प्लेन का जो है नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब हमें मालूम है कि ये जो है जो हमारा प्लेन आ रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का जो हमारा पैरेलल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर n3 इसका नॉर्मल वेक्टर n4 उसका क्रॉस प्रोडक्ट। कि अगर हमारे दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाले प्लेन दे रखा है अनसिमेट्रिक फॉर्म में, तो उसका अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका पैरेलल वेक्टर क्या होता है, प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने कहा कि n का जो क्रॉस प्रोडक्ट n का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो n3 क्रॉस n4 से 0 आएगा, क्योंकि लाइन अगर हमारे प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ताकि लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ से आपको लैम्डा निकल के आ जाएगा क्योंकि n3 की वैल्यू हमको मालूम है। ठीक है, और n4 की वैल्यू में मालूम है, तो एक तरह से n तो ये लैम्डा के टर्म में था। ठीक है, तो ये जाएगा आई जे के n3 क्रॉस n4 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 2 और 2 3 1 और n हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसको 0 करना है। तो पहले आप इस डिटरमिनेंट से n3 क्रॉस n4 निकालोगे, फिर आपको n से डॉट प्रोडक्ट करके इसको 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 12। अब लैम्डा की वैल्यू जब हमारे पास 12 आ जाती है तो प्लेन हमारे पास आ जाता है ऊपर, जो हमने P1 प्लस लैम्डा P2 लिया था उसमें लैम्डा की वैल्यू 12 ले लेंगे। तो ये प्लेन बन जाता है हमारे पास थर्टीन एक्स प्लस 10y प्लस 35z इज इक्वल टू 65। और हमने जो प्लेन दे रखा था उन्होंने ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 65 दे रखा था, तो
तो कहीं ना कहीं आपके पास ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 35 आ जाती है, ठीक है ना। तो आपने कंपेयर कर लिया जो गिवन प्लेन को, मतलब जो दे रखा था इन्होंने ए और बी और सी के टर्म में, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको जो कहना है कि ए बी सी से इस प्लेन की डिस्टेंस बतानी है, आपने ए बी सी तो निकाल ही लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ थर्टीन कॉमा टेन कॉमा 35 टू द प्लेन, अब ये एक अनदर प्लेन दे रखा है जिसपे लेंथ और परपेंडिकुलर में निकालना है, 2x प्लस 2y माइनस का जेड प्लस 16 इज इक्वल टू 0 जाएगा, मॉड ऑफ 26 प्लस 20 माइनस का 35 प्लस का 16 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वी गेट 27 अपॉन 3, इट मींस 9 इज द आंसर, 9 आंसर हो गया इसका, ठीक है। कि x और y जो है डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं जो कि 1 से लेके 25 के बीच में है, बोथ इंक्लूडेड, ठीक है ना, 1 एंड 25, और y भी सेम 1 से लेके 25, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ वेज, तो चूजिंग x एंड y सो दैट x प्लस y इज डिविजिबल बाय 5, तो x और y का जो सम है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास x और y है उसका सम हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने सोचा कि कोई भी अगर हम 25 नंबर ले रहे हैं एक से लेके 25 तक, तो हमने एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। मतलब हमने सोचा कि पांच के मल्टीपल अलग कर दें, 5k+1 वाले टाइप अलग हो जाए, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। तो इनको हमने ऐसे सोचा कि ये G1 ग्रुप है, ये G2 ग्रुप है, ये G3 ग्रुप है, ये G4 ग्रुप है और G5 ग्रुप है। ये 5k टाइप के लोग हैं, ये 5k+1 टाइप के हैं, ये 5 के मल्टीपल में दो जाता है, ये 5 के मल्टीपल में, तो इनको अलग अलग क्लास बना ली इनके हमने। इन 25 लोगों को मिस्टर से पांच 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 नंबरों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब आपको जो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं एक्स कॉमा वाई लेने हैं, ताकि आपके पास एक्स और वाई का जो सम है वो 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो दोनों नंबर अगर सोचने की सेम ग्रुप के हैं कि डिफरेंट ग्रुप के हैं, कौन से किस ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है, कि एक्स और वाई किस किस ग्रुप के हो जाए, और डिस्टिंक्ट इंटीजर है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। तो ने कहा कि एक्स कॉमा वाई कैन बी सेलेक्टेड कि x अगर मैं मान लो ले लिया आपको 5k+1 का, तो y हम किस टाइप का ले सकते हैं, 5k+4 का, तो नहीं 5c1 × 5c1, कि अगर उसको हमने ग्रुप 1 से लिया तो इसको हमें करस्पॉन्डिंग ग्रुप 4 का लेना पड़ेगा, और ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं x और y, या आप जिसको x कह रहे हो वो y हो जाए, जो उसको y कह रहे हो x हो जाए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमको निकालने। अब हमने कहा कि नहीं यार, अब हम एक लेंगे 5k+2 टाइप का, तो दूसरा लेंगे हम 5k+3 टाइप का, वो भी पांच नंबर है, और इंटू 2 फैक्टोरियल। सबसे आखिरी केस हो सकता है कि हम यहाँ पर दोनों 5k टाइप के ले लें, तो दोनों 5c2 तरीके से हमने दो नंबर ले लिए जो g5 के हैं, लेकिन ये नंबर भी आपस में x कॉमा वाई और इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर जाएगा 125, 120 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था कि x कॉमा वाई के कितने हमारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 120 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है, कि x और y को जो है सम को 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन 24 में कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो है, एक्सपांशन में जो है हमारे पास एस की पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए, एस की पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसको थोड़ा सा एस की पावर 7 एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो 1 + 2 × 9 3 × 8 हो जाएगा, यहाँ पर एस की पावर 8 और 3 × 9 5 और डिनोमिनेटर में एस की पावर 35। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो इसमें आपको निकालना क्या था, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 0 यानी कॉन्स्टेंट टर्म। तो हमने सोचा कि यार इसमें 1 + s^7 × 2 + 3x इस पूरे की पावर 5 में
अगर हम निकाल देते हैं कोफिशियंट ऑफ एस की पावर 35 तो भी मेरा आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एस की पावर 35 है, अगर आप न्यूमिनेटर में भी एस की पावर 35 ले लोगे तो एस की पावर 0 बन जाएगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सपांशन में हम एस की पावर 35 का कोफिशियंट निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एस की पावर 7 की पावर यहाँ से 5 करते हैं तो 35 आएगा, ठीक है। एस की पावर 5 35, ठीक है। तो वो 35 से ज्यादा हो गया। अगर हम ये सोचें कि इस पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर वाई सोचो, ठीक है, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म खुलेंगे, 6 टर्म खुलेंगे। तो कौन से टर्म में इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो वो सेकेंड लास्ट टर्म है, ठीक है। जब हम इसमें ऐसे सोचें कि 5c4 1 की पावर 1 और s की पावर 8 इंटू 2 प्लस 3x की पावर 4, तो यहाँ पे आपके पास s की पावर 32 तो ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। इसमें अगर हम कोफिशियंट ऑफ s की पावर 35 निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 5c4 इंटू 2 प्लस 3x की पावर 4 में कोफिशियंट ऑफ s की पावर 3, क्योंकि ये एस की पावर 8 की पावर 4 क्या हो जाएगा, एस की पावर 32। तो एस की पावर 32 अगर आपको बाहर ही मिल गया तो अंदर वाले से क्या चाहिए, 2 प्लस 3 एस की पावर 4 में आपको क्या चाहिए होगा, एस की पावर 3 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा। बाकी इसके जो 6 टर्म आप खोलोगे बाइनरी एक्सपेंशन में, उस बाकी किसी में भी एस की पावर 35 की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे मान लो इसकी यहाँ पे अगर हम पावर 3 करते तो ये 24 हो जाता और ये मैक्सिमम 3 पावर और दे देता, तो 35 कभी नहीं बन पाएगा। यानी अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए वाई मान लें और एक्सपेंशन खोल के देखें तो आपको दिख जाएगा कि जो सेकंड लास्ट टर्म जो टर्म आएगा, पांचवा टर्म जो आएगा, उसी के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है और 32 पावर यही हो गई। तो अब इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको क्या चाहिए, इसकी पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। तो आई होप मेरे पास समझ में आ गई, नहीं तो मल्टीनोमियल से केस बनाने पड़ते, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास 5c4। अब इसकी पावर 3 का कोफिशिएंट तो इस बाइनोमियल में निकाल ही सकते हैं, 4c3 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यह जाता है 1080। ये आंसर हो जाएगा आपका 1080। तो पहले तो हमने सोचा कि इसमें एस की पावर 0 का ऑप्शन लेने की बजाय हम इसमें एस की पावर 35 का ऑप्शन लेंगे। अब इसमें से एस की पावर 8 कॉमन ले लिया, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए वाई की तरह एज्यूम करें, तो जो 6 टर्म है उसमें से जो पांचवा टर्म आएगा उसी में एस की पावर 35 की पॉसिबिलिटी बन रही, बाकी किसी में नहीं बन रही। और 32 हमने यहाँ से किनारे कर लिया और इसके एक्सप्रेशन में एस की पावर 3 अलग से और ले लिया, ठीक है। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और एक्स हमें दे रखा है कि -1 से 1 के बीच में, जो कि नॉन जीरो नंबर भी है, ठीक है। तो हमें जो इनके जो सॉल्यूशन आ रहे हैं इनका सम दे रखा है अल्फा -4/√3। तो जो अल्फा है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ये हमको बताना, ठीक है। तो ने कहा कि यहाँ पर जो है केस वन ले लेते हैं कि जब हमारे पास एस की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो tan इनवर्स 2x/1 - x² के लिए 2 tan इनवर्स ऑफ x होती है जब x -1 से 1 के बीच में होता है। और cot इनवर्स वाले को अगर हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करें तो जाएगा π + 2 tan इनवर्स x, क्योंकि एक्चुअली में cot इनवर्स ऑफ t की जो वैल्यू होती है वो π + tan इनवर्स ऑफ t हो जाती है अगर t नेगेटिव है, तो 1/t। हम tan इनवर्स में cot को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव t के लिए कर रहे हैं, तो π + tan inverse 1/t होता है। जब x आपका जो है -1 से 0 के बीच में, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये नेगेटिव है, ये भी वही चीज उसी रेसिप्रोकल है t, ठीक है ना, 1/t। तो इसके लिए जो है पहले इसको रेसिप्रोकल में लोगे तो हो जाएगा tan inverse 2x/1 - x², लेकिन पाई आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपका इस x के लिए नेगेटिव है, ठीक है। और इसको आपने कह रखा है कि हम π/3 है, तो 2 tan inverse of s की वैल्यू यहाँ से सीधा निकाल लें, ठीक है। तो पाई यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -2π/3, तो माइनस का π/6 आ जा रहा है। तो यहाँ से s की जो वैल्यू हो गई -1/√3 हो गई, जो कि -1 से 0 के बीच में बिलोंग कर रही है, यानी एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया। इसके बाद जो है दूसरा केस लिया
कि अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पे cot इनवर्स t और tan इनवर्स 1 अपॉन t डायरेक्टली बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई पाई आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x का 2 टाइम्स ही हो गया और सेम ये भी हो गया, तो ये पाई बाई 3 है, तो tan इनवर्स ऑफ s की वैल्यू पाई बाई 12 हो गई, यानी एक तरह से आपका 15 डिग्री हो गया, ठीक है। तो s की वैल्यू जो है 10 15 डिग्री आ जाएगी, तो ये जाएगा 45 माइनस 30 से भी आप निकाल सकते हो कि 10 15 डिग्री इक्वल टू 10 45 माइनस 30, तो ये तो आप डायरेक्टली याद रखोगे या तो फिर सीधा निकाल लोगे, तो ये 2 माइनस रूट 3 आ जाती है। तो ये अनदर वैल्यू मिल जाती है, इनका जो सम है वो हम निकालें तो ये हमारे पास रहता है 2 माइनस 4 अपॉन रूट 3, तो इसका जो अल्फा की वैल्यू आती है वो आपकी 2 आ जाती है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका सम आता है, तो आपको पूछा गया कि अल्फा माइनस 4 अपॉन रूट 3 सम है, तो अल्फा इज 2, ठीक है, दोनों को ऐड करके दोनों सॉल्यूशंस को, ठीक है। क्वेश्चन 26 देखते हैं, क्वेश्चन 26 में कह रहे हैं कि द एरिया इनक्लोज बाय दीस टू पैराबोला इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बाय फर्स्ट पैराबोला एंड द लाइन y इज इक्वल टू ax जिसका स्लोप a जो है वो पॉजिटिव है, तो बताने कि यार a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कूल लेवल का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो एक पैराबोला हमारा हो गया y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 2, और जो दूसरा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, y इज इक्वल टू, तो इनके बीच में कुछ एरिया बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि A1 एरिया है, तो उसके लिए आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों के वक्त हम y बराबर करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो 2 और माइनस 2 निकल के आता है इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से, ये पॉइंट आता है 2, 10 और ये पॉइंट आता है माइनस का 2, 10, तो जो मेरा A1 एरिया आएगा माइनस के लेके 2 से लेके 2 तक अपर माइनस लोअर के हिसाब से x स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 5x स्क्वायर अपॉन 2 dx, तो इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 16 आ जाता है ये, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा जो हमको दे रखा है कि एक पैराबोला जो है y इज इक्वल टू p1 वाला है 5x स्क्वायर अपॉन 2, और एक लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा x पॉजिटिव स्लोप की, तो ये एरिया बाउंडेड हो रहा है जिसको हम A2 कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों A1 A2 बराबर दे रखे हैं, अब y की वैल्यू अल्फा x है तो इसको शॉर्ट सेटिस्फाई कराएं, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा अपॉन 5 आ जाएगी, तो यहाँ पे जो अगला जो A2 एरिया आएगा 0 से लेके 2 अल्फा अपॉन 5 अपर हो जाएगा यहाँ पे अल्फा x, लोअर हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2 dx, तो ये A1 और A2 हमने प्लस निकाल के बराबर कराने, ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे तो ये 2 अल्फा क्यूब अपॉन 75 आ जाएगा। अब गिवन कंडीशंस में A1 और A2 बराबर दे रखे हैं तो 2 अल्फा क्यूब अपॉन 75 की वैल्यू 16 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अल्फा क्यूब में पास आ जाएगा 600, ठीक है, और अल्फा क्यूब हमसे पूछा गया था। कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा अगर फंस सकते हो तो फंस सकते हो, ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट S है विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अल्फा विच सेटिस्फाई दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं कि बीटा की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ कि स्क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये सेट में जो अल्फा कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहा यार यहाँ पर जो है log of 2 के बेस पे t square plus 13 upon 5 by 2 into t plus 1 की वैल्यू 2 है, where t जो हमने माना हुआ है 3 की पावर 2 alpha minus 4 को माना हुआ, log a minus log b तो log a upon b, ठीक ना, और t हमने थोड़ी देर के लिए 3 की पावर 2 alpha minus 4 मान लिए, तो जो 9 की पावर 2 alpha minus 4 है, ठीक ना, 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 है वो टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इस 2 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 के बेस पे 4,
यानी टी स्क्वायर अपॉन 13 5 बाई 2 इंटू टी प्लस 1 की वैल्यू 4 हो गई। तो यहां से टी में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 13 की वैल्यू इज इक्वल टू 10 टी प्लस 4, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस का 10 टी प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू यहां से 9 और 1 आ जाती है, एक तरह से आपके पास 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ जाएगी या 3 की पावर 0 आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अल्फा की वैल्यू जो होगी एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 2। तो जो एस सेट है उसमें आपके पास अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई 2, 3, ठीक है। तो हम से कह रहे हैं कि जो है बीटा की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो ये दे रखा है कि सिग्मा ऑफ अल्फा, यानी जो सेट एस में हमारे जो अल्फा लाई कर रहे हैं जो कि 2 और 3 है उनका सम और फिर उसका स्क्वायर, यहाँ पे पहले अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और फिर अल्फा की दो वैल्यूज हैं दोनों की तरफ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ने कहा समीशन ऑफ अल्फा की वैल्यू जाएगी 3 प्लस 2 जो कि 5 हो जाएगी, समीशन ऑफ अल्फा प्लस 1 का जो स्क्वायर बोल रहे हैं वो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 25। तो अब इस क्वाड्रेटिक में जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एक्स, सिग्मा ऑफ अल्फा की वैल्यू हमको मिला 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। सिग्मा अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू बीटा। इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो 50 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 25 बीटा should be greater than or equal to 0, ठीक है। तो यहां से जो है तो beta is less than or equal to 2500/100, यानी 25 हो जाएगी इतना। तो beta की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो 25 हो जाएगी, 25 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की दो वैल्यू आ गई, सिग्मा अल्फा की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा अल्फा प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है, जिसमें बीटा वेरिएबल है और उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके हमने बीटा की वैल्यू पे कंडीशन निकाल दी। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो बीटा की आ रही है वो 25 आ रही है कि रूट्स रियल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 28 में हमसे कह रहे हैं कि एक सेट में 1, 2, 3, 5, 7, 10 और 11 का कलेक्शन है, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, यानी एस की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सम ऑफ जो एलिमेंट्स आप लोगे इस सेट एस में तो 3 का मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यार एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक 3 आ रहा है, दूसरा ग्रुप बनाते हैं जिसमें 1 आ रहा है, उसके बाद फिर जो है 3 का 3k प्लस 1 टाइप के लोग ले रहे हैं, ठीक है, 3k टाइप का तो एक ही नंबर दिख रहा है, फिर 3k प्लस 1 टाइप के नंबर कौन कौन से मिलेंगे, 1 मिलेगा, 4 नहीं है 7 मिल जाएगा और फिर 11 नहीं 10 मिल जाएगा। ये 3k टाइप का नंबर है, ये 3k प्लस 1 टाइप का नंबर है, जैसे अभी 5k प्लस 1 टाइप का भी क्वेश्चन इसी में था, यहाँ पे जाएगा 2 5 और उसके बाद 11, ये 3k प्लस 2 टाइप के नंबर है। अब आपको जो जितने भी नंबर आप सेट में लोगे, आप एक नंबर लो या दो लो, आपको कोई ना कोई एलिमेंट तो लेना है, एम्प्टी सेट तो लेना नहीं है, तो आप किसी भी तरह से ऐसे नंबर लोगे जिनका जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जो है अगर 1 है, आप एक ही नंबर लेना चाहते हो तो आपको क्या लेना होगा, 3 लेना होगा, तो सम उसका 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1c1 तरीके से आपने जो है जीवन का एक आदमी ले लिया, जीवन का एक ही नंबर है 3, उसी को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी, एक तरीका हो गया, ठीक है। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में जो है अगर 2 ले लिए, तो 2 नंबर आपको लेने हैं कि उनका जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों नंबर जो है आप जीवन से तो ले नहीं सकते क्योंकि जीवन में तो एक ही नंबर है, ठीक है,
एक G2 से और एक G3 से लेना होगा, ठीक है। तो 3C1 into 3C1, एक G2 से ले लिया और एक G3 से ले लिया, तो इसके नौ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नौ तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमने तीन ले लिए सैंपल स्पेस में, सॉरी एस सेट में, ठीक है। तो तीन लेने का मतलब क्या होगा, तीनों आप G2 के ले लो या तीनों आप G3 के ले लो, और तो कोई केस हो सकता है, सबका एक एक ले नहीं सकते, सबका एक एक ले सकते हैं, सबका एक एक ले सकते हैं, ठीक है। तो 1C1, 3C1, 3C1, एक G1 का, एक G2 का और एक G3 का, सबका एक एक ले सकते हैं। अच्छा, और कोई केस बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा बस 9 और ये 11, तो इसके 11 तरीके हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम चार लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम चार लेते हैं, तो चार नंबर हम इस तरह से लेने हैं कि इन चारों का जो सम है वो तीन का मल्टीपल होना चाहिए। तो दो G2 के ले लें और दो G3 के ले लें, एक तो यही केस बन जाएगा, ठीक है। 3C2 into 3C2, तो दो G2 के हो गए और दो G3 के हो गए। अच्छा, तीन G2 के ले लें और एक G1 वाला ले लें, ठीक है। तो 1C1, 3C3 या 1C1, 3C3 करके G3 के तीनों ले लें, क्योंकि अगर तीनों नंबर G3 के आएंगे तो भी सम तीन का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और तीन, एक नंबर तो 3 हम G1 का ले ही रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 9, 10, 11, 11 तरीके भी हो जाएंगे। NS की वैल्यू अगर हम 5 लें, यानी पांच एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करें, ठीक है, पांच एलिमेंट्स को, तो पांच के लिए अगर हम करते हैं, तो पांच एलिमेंट लेने हैं, दो G2 के ले लें, दो G3 के ले लें, क्योंकि एक G1 और एक G2 और एक G3 का मिलके थ्री का मल्टीपल हो ही रहा है, ठीक है। और दोनों दोनों ले लेंगे इसके, दो G2 के, दो G3 के और एक G1 वाला ले लें, G1 एक ही है, ठीक है ना। तो 1C1, 3C2 into 3C2, तो एक G1 का, दो G2 के और दो G3 के, तो 9 ये हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम 6 लेते हैं, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम 6 लेते हैं, तो एक ही रास्ता है कि आपको तीनों G3 के लेने होंगे और तीनों G2 के भी लेने होंगे, तो ये एक बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम 7 लेते हैं, 7 के 7 सारे एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे, तो 1C1, यानी 7ों के 7ों, यानी सेट इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक ना। तो ये G1 का हो गया, ये G2 का, मतलब ये तो पूरा पूरा सेट ही मिल गया, ठीक ना। तो ये सबसे लास्ट केस हो गया, तो हम सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, 9 और 11, फिर 11, 9 और 1 और आखिरी में 1 अलग से, ठीक है। तो 12, 21, 42, 43 इज द आंसर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 20, ठीक है। अच्छा, 21 और 21, 42, 43, ठीक है। तो 43 आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा केस बनाने में देखना था कि कोई केस छूट ना जाए, बाकी तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन मतलब मॉडरेट में हमने इसको डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी आपने अगर एक केस छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 में कह रहे हैं कि एबीसी जो है नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है जिसमें ए फंसा हुआ है, मतलब नहीं मालूम है, और जी एस में बी और सी भी अननोन है, नहीं मालूम है। अब इसका जो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी आएगा, उसका इनवर्स फंक्शन हमें दे रखा है। तो एफ ऑफ जी ए सी और जी ऑफ एफ बी सी, जी ऑफ बी की वैल्यू बी पे निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। मैंने कहा कि यार एफ ऑफ जी अगर बनाए तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे जी एक्स हो जाएगा, तो जाएगा ए इंटू एक्स की पावर बी प्लस सी माइनस का 3। अगर इसको वाई मान लें तो यहां से x की पावर b की वैल्यू जाएगी y प्लस 3 माइनस का ac, तो यानी यहां से x की जो वैल्यू जाएगी y प्लस 3 माइनस ac की पावर 1 बाई बी। अगर हम यहां पे x और y को इंटरचेंज करें तो इसका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, विच इज f ऑफ g का इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट तरह से जो y की वैल्यू है, x और y इंटरचेंज करके इनवर्स फंक्शन बनाने की कोशिश की, ठीक ना। तो यहाँ से a भी आएगा, मैंने a नहीं लिखा, a डिवाइड में भी आ जाएगा, क्योंकि a इंटू एस की पावर b बनेगा ना।
तो यहां से जो है ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 माइनस का ac अपॉन a की पावर 1 अपॉन b, लेकिन ये हमें दे रखा है x माइनस 7 अपॉन 2 की पावर 1 बाई 3। तो यहां से तो कहोगे कि a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी, और 3 माइनस ac की वैल्यू माइनस का 7 आएगी, यानी c आपका 5 हो गया। ठीक है, तो abc आपके सामने आ गए, ठीक है। तो अब हम abc के तरफ से जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो a कितना हो गया 2x माइनस 3, और gs कितना हो गया x क्यूब प्लस 5। तो f और g दोनों फंक्शन आपके पास तैयार हो गए, f भी तैयार हो गया और g भी तैयार हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको निकालना है f ऑफ g ac। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 5 आई थी, सॉरी 2 2 आई थी और c की वैल्यू 5 आई थी, तो ये 10 हो जाएगा। तो g ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब g की वैल्यू 10 पे अगर हम निकाल लें तो 1005 आ जाएगी। अब f के लिए 1005 में निकालेंगे तो 2010 माइनस 3 यानी 2007। अगली चीज क्या निकाली थी, g ऑफ f b, ठीक है, g ऑफ f b निकालना था। तो b की वैल्यू कितना था बस 3, तो जाएगा g ऑफ f ऑफ 3, 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी f की, तो ये g ऑफ 3 बन जाएगा। अब g की वैल्यू 3 पे निकालनी है, ठीक है, पे कितना आ जाएगा 27 और 5, ठीक है 32, तो ये 32 हो जाएगा। तो क्योंकि f और g तो आपको मिल ही गए थे, f ऑफ 3 निकाल लिया तो f ऑफ 3 3 आ गया, तो g ऑफ 3 के लिए 32 हो गई, 27 प्लस 5, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे g ऑफ f ऑफ g ac और g ऑफ f b की वैल्यू निकालनी थी, 2007 प्लस 32 2039। तो इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर किए होंगे, इनवर्स फंक्शन में लोग इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक हाइपरबोला है जिसके वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस 6,0, यानी a स्क्वायर इसका 6 है, और इसेंट्रिसिटी दे रखी है अंडर रूट 5/2। n बी द नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला एट द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी हाइपरबोला पे कोई हमें नॉर्मल की क्वेश्चन देखनी है, और पॉइंट जो है पहले क्वाड्रेंट में लेना है p पॉइंट। और इसका जो स्लोप होना चाहिए नॉर्मल का, इसके पैरेलल होना चाहिए, तो नहीं माइनस का रूट टू होना चाहिए स्लोप, ठीक है। डी इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला बिटवीन द वाई एक्सिस। तो अगर हम वाई एक्सिस को जहां पे काट रहा है क्यू पॉइंट ले लें, तो इसको डिस्टेंस को इन्होंने डी नाम दे रखा है, तो आपको डी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो पी क्यू जो है आपका डी है, तो डी का स्क्वायर निकालना है, ए मालूम है और ई मालूम है और नॉर्मल का स्लोप मालूम है, ठीक है। तो ने कहा कि एक फॉर्मूला होता था इसेंट्रिसिटी के लिए, ठीक है, तो हम बी भी यहाँ से निकाल ही सकते हैं। तो बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई, कितना हो जाएगा 3√5, 3√5 यानी 945 माइनस 36, तो ये 9 हो जाएगा। नहीं, जो b की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अब वहां पर जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट होंगे, हमने कह दिया a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, और थीटा हम फर्स्ट पॉइंट का लेना, तो यानी 6 sec थीटा कॉमा 3 tan थीटा। जो नॉर्मल आएगा एट पॉइंट p हो जाता था ax अपॉन sec थीटा प्लस का by अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये नॉर्मल की क्वेश्चन हमारे पास आ गई पी पे। अब इस नॉर्मल क्वेश्चन में हमने पुट किया एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स को 0 करने पे क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है ना। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे,
0,15 tan theta. अगर हमें थीटा मिल जाए तो हम पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल आएगा माइनस का 6 upon sec theta इंटू 10 theta upon 3, जिसके लिए हमें दे रखी थी कि नॉर्मल का स्लोप इसके पैरेलल था, ठीक है, माइनस का √2। तो 1 upon cos sin upon cos, तो sin theta is equal to 1 upon √2 हो गई, तो theta आ गया π/4, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना था, सेकंड का हम जा नहीं सकते, क्योंकि sin पॉजिटिव है तो सेकंड में भी जा सकते थे, बट फर्स्ट में ही लेना है, ठीक है। तो आपके पास जो है p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 6 sec π/4, 3 tan π/4, यानी एक तरह से 6 √2, 3, और Q के कोऑर्डिनेट हो गए 0,15। तो PQ जो है वो D हो गया, आपको D स्क्वायर निकालना था, ठीक है, तो D स्क्वायर जो हो जाएगा वो PQ का स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 √2 - 0² 3 - 15² तो 72 + 144, तो 216 जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो, ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मॉडरेट में रखा है कि कुछ कैलकुलेशन पार्ट में अगर कोई फंस सकता है तो, ठीक है, नॉर्मल की क्वेश्चन को आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में एलिप्स और हाइपरबोला की नॉर्मल क्वेश्चन रटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर निकालने में भी टाइम बर्बाद करोगे, तो कुछ कोऑर्डिनेट में जो होता है कि रिजल्ट वाले जो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे आप बनाओगे नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट, टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की प्रॉपर्टी से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।